बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई वेलकम यू ऑल इन एग्ज़ाम फोकस रिवीजन क्लासेस 2022। टुडे वी आर कंडक्टिंग द फर्स्ट ऑफ फोर सेशंस ऑफ कैफ 6 मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन वुड बी फ्रॉम 7 PM टू 9:30 PM विद सूटेबल ब्रेक्स। These sessions are available at ICAP houses Karachi, Lahore, Multan, Faisalabad, Gujranwala, Islamabad and Peshawar. The students of other cities and abroad can join us using ICAP's student Facebook page, which is icap.ca/students. The students on Facebook page can ask their questions in comment section. The material being used today will be available through a link in comment section of this video on ICAP's Facebook page. We have Mr. Ziaul Haq with us for these sessions. Mr. Zia is an associate member of ICAEW, fellow member of ICCA, and MBA from a renowned university in UK. He also worked in Deloitte UK, currently teaching CAF 6 and other various papers at various levels of CA, including CAF, CFAP, and MSL levels. He is faculty member at one of ICAP's approved REIT. Without any further ado, please welcome Sir Ziaul Haq. Assalamu alaikum. First of all, we should say thanks to ICAP, especially ANISA, for arranging such beautiful revision session for the students. So let's move forward straight away. सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, कैफ 6, जिसके पहले खुश नसीब आप लोग बनने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री डिफाइन करने जा रहे हैं आप लोग। पहला पेपर आप लोगों की किस्मत में आया। हाँ, कुछ इश्यूज थे सेशन में, बुक लेट आई, मॉडल पेपर दो दफ़ा चेंज हुआ, सिलेबस काफ़ी डिले हुआ, लेकिन सारे एक्सक्यूज़ अब साइड पे, अब डिसाइड हो चुका है कि पेपर देना है और पास करना है इसी टाइम में। एक खुशखबरी आपको दूं तो ICAP की जो नॉर्मल किसी भी पेपर की फ़र्स्ट अटैम्प्ट होती है वो कंपैरेटिवली इजी होती है आने वाली अटैम्प्ट्स के नस्बत। सो पहली अटैम्प्ट है, थोड़ा एग्ज़ामिनर हाथ होला रखेंगे, ठीक हो गया। लेकिन आप लोगों ने हाथ होला नहीं रखना, अब से ऑनवर्ड एग्ज़ाम पेपर तक, होपली 9th of March को पेपर है हमारा, तो आप लोगों को मेहनत करना है, जो कुछ आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली चलना है। हाँ, पास पेपर नहीं है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो एक मॉडल पेपर एग्जामिनर ने दे दिया, बाकी पास पेपर नहीं थे। हर टीचर ने कोशिश की जहाँ से भी क्वेश्चन मिले, अदर बॉडी से मिले, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है। कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पेपर हो जाएगा, क्वेश्चन जहाँ से भी आ जाए। सो क्या होगा हमारी सेशन के अंदर, इस सेशन के अंदर हम किस तरह से सेशन को लेके चल रहे होंगे। रिवीजन क्लासेस का हमारा शेड्यूल क्या होगा, कुछ 4 दिन पे हमारा जो है ये सेशन चलेगा। टाइम 6:45 टू 9:30 में दिया गया, 6:45 टू 9:30, तो कुछ 2 सेशन में हम डेली अपना डिवाइड करेंगे। लाइक 4 डेज हैं, तो 4 डेज़ में 100% सिलेबस तो कम्प्लीट नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि हम 100% सिलेबस जो है वो 4 डेज़ में कवर कर लें। हाँ, कोशिश है हमारी, हम कोई 60 to 70 मार्क्स का अफेक्टिवली कवर करने की कोशिश करेंगे। 60 to 70 मार्क्स मीन ये 4 दिन जो जो एरियाज़ हम कवर करेंगे, अगर आप वो मेरे साथ साथ डेली बेसिस पे कवर कर लें, ओबियसली ज़ीरो से नहीं हम स्टार्ट करेंगे, मतलब ये सेशन, अगर कोई स्टूडेंट ये समझ रहा है कि बिल्कुल मैं ज़ीरो हूँ और ये सेशन से ही वो टॉपिक समझूंगा, तो ऐसा नहीं है, रिवीजन चल रही होगी। हाँ, रिवीजन में आपको क्या करना है, जो एरिया हम यहाँ पे क्लास में कर रहे होंगे, नेक्स्ट क्लास तक जो बीच में टाइम पीरियड है उसमें अगर आप अपना वो एरिया अच्छी तरह से कवर कर लें, रिवाइज़ कर लें, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है या प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंगली, तो इन 4 दिन के अंदर कोई 60 to 70 मार्क्स का पेपर हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक हो गया। कुछ ऐसे एरियाज़ हम टारगेट करेंगे जहाँ से पेपर के अंदर मस्ट क्वेश्चन अपीयर होने का चांस है ही है,
तो उनको टारगेट करेंगे तो 4 दिन में काफ़ी कुछ कवर हो सकता है। हाँ, बाकी जो बच जाएगा वो फिर इन 4 दिन के बाद आप लोगों के पास टाइम होगा। लाइक यहाँ से एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि एक दिन में क्या कितना कैसे हो सकता है, तो बाकी भी आगे कवर हो जाएगा। सो क्या करेंगे जी, आज हमारा जो फर्स्ट डे है इसमें हमने टारगेट किया है हमारा एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का एरिया है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का एरिया चैप्टर 14 वो हम कवर करेंगे। साथ हम कुछ थ्योरी देख रहे होंगे और चैप्टर 14 से 10 नंबर का क्वेश्चन मॉडल पेपर के अंदर भी है और होपफुली पेपर के अंदर भी अपीयर होगा। तो 10 से 12 15 नंबर तक आज के लेक्चर के बाद प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद डे सेकंड हमारा जो होगा ट्यूसडे को, प्रोजेक्ट अप्रेजल हमारा एक एरिया है जहाँ से प्रॉपर अगर क्वेश्चन बना जाए तो मेरा नहीं ख्याल 15 नंबर से कम बन सकता है, लेकिन मिनिमम भी 10 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा। साथ हम कुछ थ्योरी का एरिया कवर कर रहे होंगे। डे 3 हमारा जो है वेंसडे का, उसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर 12 वैक, यहाँ से मिनिमम भी 10 नंबर का क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है ही है, साथ उसके कुछ थ्योरी कवर कर रहे होंगे। और डे 4 पे हम चैप्टर 15 हमारे पास बजटिंग, उसे कवर करेंगे और उससे रिलेटेड भी अगर छोटे से छोटा भी क्वेश्चन देखा जाए, पास पेपर्स को अगर कॉस्ट के पास पेपर्स का एनालिसिस भी किया जाए, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी 8 से 10 नंबर का बनता है, इससे छोटा क्वेश्चन नहीं बन सकता। हाँ, बड़े से बड़े क्वेश्चन पास पेपर में देखा जाए तो 20-22 नंबर का भी यहाँ से टेस्ट हुआ हुआ है। तो ये 4 मेन एरिया हमारे जो हैं, मेनली फाइनेंशियल के एरिया से, मैनेजेरियल के एरिया से नहीं, फाइनेंशियल के एरिया से इनके हम अच्छे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। साथ हम मैनेजेरियल की कुछ थ्योरी जो है वो डेली बेसिस पे एक एक मॉडल जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करके उसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो ये हमारा 4 दिन का जो है वो सेशन चलेगा। अब बात कर लें जी कुछ और कि हमें बुक कौन सी फॉलो करनी है। तो जो भी आपके टीचर ने आपको कोई नोट्स दिए हैं, बुक दी है, तो कोशिश करना है उसे ही फॉलो करनी है। अब एंड मंथ में आके बिल्कुल एक नए स्टडी मटेरियल के साथ नहीं जाना, ठीक हो गया। जो भी टीचर ने आपको नोट्स दिए हैं, जो भी बुक दी है वो बेस्ट दी है, ठीक हो गया। बुक वैसे मेरा नहीं ख्याल किसी टीचर की अभी मार्केट में पूरी बुक आई है, हाँ आई कैप की बुक है। अदरवाइज़ आपके टीचर ने जो भी आपको नोट्स दिए हैं उन्हें ही आपने फॉलो करना है, कुछ भी यहाँ पर आके आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। सिलेबस आउटलाइन अगर हम देखें कि सिलेबस क्या है हमारे पास इस पेपर का, तो ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस हमारे पेपर का नाम है और सिलेबस को एग्जामिनर ने क्या किया है, कुछ 3 ग्रिड्स में डिवाइड किया। पहली ग्रिड है मैनेजेरियल एनालिसिस की ग्रिड, जिसके अंदर टोटली 3 टॉपिक हैं, एक एक्सटर्नल एनालिसिस, एक इंटरनल एनालिसिस और एक एथिकल डिसीजन मेकिंग। इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस और एथिकल डिसीजन मेकिंग। इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस के ऊपर देखा जाए तो हमारे पास कोई पहले 8 चैप्टर है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 8, जिसमें पहले 6 चैप्टर जो हैं ये एक मॉडल है पैस्टल, उसको कवर कर रहे हैं। फर्स्ट 6 चैप्टर जो हैं पैस्टल कवर कर रहा है, जिसके अंदर चैप्टर 6 जो है बेसिकली देखा जाए तो कोई चैप्टर नहीं है, चैप्टर 6 कोई चैप्टर नहीं है। मेनली देखा जाए तो 5 चैप्टर हैं जिसके अंदर कुछ मटेरियल है, हाँ वो मटेरियल हद से ज़्यादा है, उतनी शायद ज़रूरत नहीं थी इस लेवल पे जितना मटेरियल दे दिया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है हमें हर चैप्टर का होना चाहिए। मेनली अगर देखा जाए यहाँ से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, मॉडल पेपर के अंदर ऑलरेडी एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड ही इस एरिया से दिया है, पैस्टल का एक सिनेरियो 8-10 नंबर का बन सकता है। हाँ, वो बाकी जो 5 चैप्टर हैं उनकी रीडिंग करनी है, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट लेना है हर टॉपिक का, जहाँ से कोई MCQ टेस्ट हो सकता है या कोई मैक्सिमम भी हुआ तो 4 से 5 नंबर का कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, मैक्सिमम भी हुआ तो 4 से 5 नंबर का। मेनली MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कॉन्सेप्ट लेना है और हमें पैस्टल की प्रैक्टिस करनी है। लाइक पैस्टल के जितने भी सिनेरियो प्रैक्टिस कर लो थोड़े हैं, क्यों, मॉडल पेपर के अंदर पैस्टल का क्वेश्चन है और पहला पेपर है, तो ये भी चांस है कि मॉडल पेपर के अंदर जो मॉडल्स हैं, अगर कोई 6 मॉडल्स हैं तो एटलीस्ट कोई 4 तो यही मॉडल टेस्ट होंगे, ठीक हो गया। इसलिए जो जो मॉडल के क्वेश्चन मॉडल पेपर में टेस्ट किए गए हैं उनके ऊपर आपने अच्छी प्रैक्टिस अपनी करनी है, क्यों, चांसेस हैं कि उन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेपर में अपीयर होंगे। सो ये पहले कोई 6 चैप्टर हमारे पैस्टल के ऊपर हैं, उसके बाद हमारा कोई चैप्टर 7 और 8 है जिसमें इंटरनल एनालिसिस है,
इंटरनल एनालिसिस है एक चैप्टर, और एक और चैप्टर है उसके अंदर भी एक्सटर्नल एनालिसिस की ही थोड़ी और बातें। देखिए 8 चैप्टर हैं जिसमें से चैप्टर 6 नहीं है, टोटल कितने हैं 7 चैप्टर हैं, जिसमें से पहले 6 के 6 चैप्टर साइड पे हो गए पैस्टल की तरफ। हाँ, चैप्टर 7 और 8 इनमें कोई 4-5 अच्छे मॉडल हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन अपीयर हो सकते हैं, और मॉडल पेपर के अंदर भी इनमें से 2 मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनेजेरियल एनालिसिस में ही एक और एरिया एथिकल डिसीजन मेकिंग का, जिसके ऊपर सिर्फ एक चैप्टर है चैप्टर 9। और चैप्टर 9 को देखा जाए सिर्फ इसमें टोटल मिला के 3 टॉपिक हैं, एक कोर्स ऑफ एथिक्स जिससे रिलेटेड सिनेरियो अपीयर हो सकता है, मॉडल मॉडल पेपर के अंदर भी कोर्स ऑफ एथिक्स के ऊपर सिनेरियो है, और 2 मॉडल इसके अंदर एक ट्रिपल ए और एक टकर जिनके ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अपीयर हो सकते हैं, और आईकैप बुक के अंदर अच्छी खासी जो है वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इन दोनों मॉडल से रिलेटेड हैं। तो उनको प्रैक्टिस कर लिया जाए, या 2 क्वेश्चन अगर ट्रिपल ए के 2 टकर के हाथ से एक दफ़ा लिख लिए जाए तो उसके बाद तीसरा कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनके ऊपर तो वो हम अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाते हैं। और ट्रिपल ए मॉडल को देखा जाए तो कम अज़ कम भी 7 नंबर का क्वेश्चन इसे टेस्ट होगा, क्यों 7 हेडिंग है। टक्कर को भी देखा जाए तो 5 हेडिंग है, तो कम अज़ कम भी 5 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से टेस्ट होगा। हाँ, 5 से 10 भी टेस्ट हो सकता है, ट्रिपल के ऊपर 7 से 14-15 मार्क्स तक भी टेस्ट हो सकता है। और मिला के ये जो हमारा मैनेजेरियल एनालिसिस का एरिया है, कुछ 35-45 मार्क्स एग्जामिनर ने कहा है यहाँ से टेस्ट होंगे। 35-45 मार्क्स, आप कह लो कि एवरेज 40 मार्क्स जो है इस एरिया से टेस्ट होंगे, जिसके अंदर क्या है, पेस्टल है, 5 फोर्सेज है, स्वॉट है, वैल्यू चेन है, रिजोर्स मॉडल है, BCG मैट्रिक्स है, और उसके बाद हमारे पास 3 मॉडल एथिक्स के आ जाते हैं, कोर्स ऑफ एथिक्स, ट्रिपल ए मॉडल और टकर मॉडल। मीन कॉन्सेप्चुअली अगर इस एरिया की प्रैक्टिस कर ली जाए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की, तो हाई चांसेस है कि इस एरिया से कोई 3 सिनेरियो टेस्ट होंगे। 3 सिनेरियो का मतलब क्या है, कोई 30 मार्क्स तो सिनेरियो बेस्ड ही टेस्टिंग होनी है, पीछे बच जाएंगे कितने, 10 नंबर। 10 नंबर में क्या होगा, MCQs भी होंगे, और अगर एग्जामिनर का दिल किया तो शायद कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी का क्वेश्चन भी यहाँ से टेस्ट हो सकता है। अदरवाइज मॉडल पेपर को देखा जाए तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल सिनेरियो ही टेस्ट हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक सेकंड एरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस का एरिया, वो क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, जिसके ऊपर हमारे पास टोटल 5 चैप्टर हैं, और इस एरिया की वेटेज दी गई है 30-45 मार्क्स। मीन ऑन एवरेज देखा जाए तो कुछ 35-40 मार्क्स इस एरिया से टेस्ट होंगे ही होंगे। टोटल 5 चैप्टर हैं, जिसके अंदर एक अनोखा चैप्टर है स्टैट का, चैप्टर 10 प्योर स्टैटिस्टिक्स, जो 80% आप ऑलरेडी नीचे AFC लेवल में QM में पढ़ चुके हो। हाँ, बाकी 20% कुछ नए एंगल से उन चीज़ों को देखना है इस चैप्टर के अंदर, काफ़ी लोगों ने पढ़ लिया होगा। और उसके बाद हमारे पास जो बाकी 4 चैप्टर हैं उसमें एक चैप्टर 11 है हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर, एक चैप्टर 12 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन वैक के ऊपर, और इन दोनों चैप्टर को मिला के देखा जाए तो 10 से 15 नंबर इन दोनों चैप्टर की वेटेज है, मीन यहाँ से पेपर अपीयर होगा। हाँ, वैक के ऊपर तो एक पूरा क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस 10 को नंबर का टेस्ट होगा। हाँ, साथ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इसी चीज़ से ही रिलेटेड है, वैक के अंदर जो कैलकुलेशन है उसी की ही थ्योरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, तो यहाँ से 10 से 15 नंबर का एरिया टेस्ट हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 13 रिस्क मैनेजमेंट और चैप्टर 14 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, चैप्टर 13 रिस्क मैनेजमेंट और 14 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, और यहाँ से भी दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो 10 से 15 नंबर का पेपर यहाँ से भी है। स्टैट की बात की जाए कितना को टेस्ट हो सकता है, मॉडल पेपर के अंदर स्टैट का एक क्वेश्चन है 8 नंबर का, मैक्सिमम भी हुआ तो 10 नंबर, इससे ज़्यादा यहाँ से टेस्ट नहीं हो सकता, मैक्सिमम भी हुआ तो 10 नंबर। हाँ, बाकी पीछे हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वैक, इनको मिला के कोई 15 नंबर टेस्ट हो सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इन दोनों को मिला के 15 नंबर टेस्ट हो सकते हैं। मीन मिला के ये एरिया कोई 35-40 नंबर जो है वो आपको एग्जाम पेपर में देगा। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट ग्रेड है बजटिंग एंड प्रोजेक्शन की, बजटिंग एंड प्रोजेक्शन ये प्योरली वो एरिया है जो पहले कॉस्ट में हुआ करता था, कॉस्ट जब कैफेट होता था
तो उसका ये एरिया था, हाँ उसको कैफ थ्री बना दिया, तो उसमें से ये एरिया उठा के कैफ सिक्स MFA में रख दिया गया। क्या है उसके अंदर? बजटिंग एंड फोरकास्टिंग है, बिल्कुल वही जो कॉस्ट में पड़ी थी, कोई नई चीज़ नहीं है। वर्किंग कैपिटल एक एरिया है, हाँ ये पहले कॉस्ट में नहीं था, ये CA फाइनल BFD से यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर पढ़ी हुई है आप लोगों ने FR1 में, वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर पढ़ा हुआ है तो ये एरिया कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हमारे पास एक प्रोजेक्ट अप्रेजल का चैप्टर एज इट इज़ जो है वो कॉस्ट से उठा के यहाँ पे रख दिया गया, जिसके अंदर कोई तीन टॉपिक है, NPV, IRR और पे बैक पीरियड। और चैप्टर 15 हमारा जो है वो बजटिंग से रिलेटेड है, चैप्टर 16 जो है वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, और चैप्टर 17 जो है वो कवर कर रहा होगा प्रोजेक्ट अप्रेजल को। सो ये हमारे सिलेबस की ग्रिड है। पहली ग्रिड मैनेजेरियल एनालिसिस से देखा जाए तो 35 मार्क्स तो मिनिमम है ही हैं, 40 मार्क्स तक भी टेस्ट हो सकते हैं, यूँ कहो कि 40 नंबर यहाँ से टेस्ट होंगे, यहाँ से कोई 3-4 मॉडल टेस्ट होंगे सिनेरियो बेस, कोई 5-7 नंबर MCQs में टेस्ट होंगे, अगर एग्जामिनर का दिल किया तो कोई 4-5 नंबर का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। ज़्यादा हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? सिनेरियो मॉडल के ऊपर, कि सिनेरियो के ऊपर हमें मॉडल का नॉलेज कैसे अप्लाई करना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन रिटर्न अटैम्प्ट करना पड़ेंगे, फिर जाके एग्ज़ाम पेपर में लिखने के काबिल बनोगे। हाँ जी, जो सेकंड ग्रिड है यहाँ से न्यूमेरिक्स जो मार्क्स हैं हमारे वो अच्छे कवर हो जाएंगे अगर प्रैक्टिस हो तो, स्पेशली वैक की अच्छी प्रैक्टिस हो, स्पेशली फॉरेक्स की अच्छी प्रैक्टिस हो, तो यहाँ से अच्छे न्यूमेरिक्स मार्क्स कवर किए जा सकते हैं। ऐसा यहाँ से मार्क्स लूज़ करने का चांस नहीं है। स्टैट अगर आपने पढ़ा हुआ है, 4-5 लेक्चर की गेम है, स्टैट को इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, न्यूमेरिक मार्क्स अच्छे यहाँ से कवर हो सकते हैं, मार्क्स लूज़ होने का चांस नहीं है यहाँ से। वैक की अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, फॉरेक्स की अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, तो ईजी मार्क्स यहाँ से कवर किए जा सकते हैं। मीन ये वो एरिया है जो आपके पेपर को पास करवाने में काफ़ी हेल्प देगा। जो स्टूडेंट थ्योरी में वीक हैं, कॉन्सेप्चुअली वीक हैं, उनको भी हेल्प देगा। क्यों? मेनली यहाँ पे रटे ही हैं, ऐसा जितना कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे नहीं है चीज़ें। 8-10 क्वेश्चन हर एरिया के प्रैक्टिस अगर कर लें तो एग्ज़ाम पेपर का क्वेश्चन टैकल करने के आप काबिल बन जाते हो। हाँ, उसके बाद बजटिंग के ऊपर थोड़ा आप 1-2 एडजस्टमेंट बजटिंग के क्वेश्चन में गंदी डाल के क्वेश्चन थोड़ा औखा भी बन सकता है, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन आप कहो कि बिल्कुल पास ही नहीं होगा, आधे नंबर भी नहीं आप उसमें से ले सकोगे, तो ऐसी बात नहीं है। 8-10 क्वेश्चन बजटिंग के प्रैक्टिस किए हों तो ज़्यादा क्या होगा, 1 या 2 नई एडजस्टमेंट्स आएंगी, बाकी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वही होगा ना जो 10 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हैं उन्हीं के अंदर से। क्या ख्याल है? तो पासिंग मार्क्स यहाँ से लिए जा सकते हैं। हाँ, वो नई एडजस्टमेंट अगर क्लिक कर गई तो यहाँ से भी पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। और उसके बाद NPV, IRR, इसके भी 8-10 अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हों तो ये एरिया भी कवर हो जाता है। जस्ट 3-4 कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर कि कहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन को यूज़ करना है, टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, या कोई 1-2 एडजस्टमेंट जो हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर नहीं हैं, तो ये एरिया भी आपको अच्छे न्यूमेरिक मार्क्स दे देगा। मीन ये जो सेकंड एरिया है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस का, यहाँ से न्यूमेरिक मार्क्स जो है वो आपके पेपर को पास करने में बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होंगे। मैनेजेरियल एनालिसिस बहुत औखा है? नहीं, बहुत औखा नहीं है। मॉडल का अगर कॉन्सेप्ट है, हर मॉडल के 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो उस मॉडल का क्वेश्चन टैकल हो जाएगा। मीन पेपर पास करना इतना मुश्किल नहीं है अगर हर एरिया की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हो तो, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो तो पेपर पास करना इतना मुश्किल नहीं है। हर एरिया के 4-4 क्वेश्चन भी कर लें तो उस एरिया का जब क्वेश्चन आएगा पेपर में तो पूरा नहीं तो आधे नंबर लेने के हम इजीली काबिल होंगे। जी हमारा सिलेबस है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम इस सेशन को कैसे लेके चलेंगे, क्या क्या चीज़ें और रह गई हैं। सब्जेक्ट में फेल कैसे हुआ जा सकता है? आप लोगों ने फेल होना है, पास होना है, पास होना है। तो हमने क्या देखना है, फेल की रीजंस क्या हैं जो हमें अपने साथ अटैच नहीं करनी, इन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। कॉन्सेप्ट सारे के सारे होने चाहिए, हर टॉपिक का नॉलेज मस्ट होना चाहिए। सिलेक्टिव स्टडी पे बिल्कुल नहीं जाना इस पेपर के अंदर, बिल्कुल भी सिलेक्टिव स्टडी पे नहीं जाना। एक चैप्टर को बेशक 1 घंटा लगा के थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ले लो, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा का सारा होना चाहिए। क्यों? अगर कॉन्सेप्ट है तो वहाँ पे जाके कोई MCQ 1-2 आ गए तो आप क्लिक कर लोगे,
क्या कहला है उस एड, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ पूछी गई है तो वो आप ब्लैंक बिल्कुल नहीं होगे, कुछ ना कुछ एग्जामिनर को लिख के दोगे, मीन मार्क्स लेने के काबिल होगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट जो है वो सारा होना चाहिए, सिलेक्टिव स्टडी नहीं। टोटल 17 चैप्टर हैं, नहीं टोटल 16 चैप्टर हैं, चैप्टर 6 नहीं है, चैप्टर 6 नहीं है, टोटल कितने हैं 16 चैप्टर हैं। पहले 6 चैप्टर सिर्फ पैस्टल है, बाकी कितने हैं सिर्फ 10 चैप्टर हैं। पहले 6 चैप्टर सिर्फ पैस्टल है, बाकी क्या हैं 10 चैप्टर हैं। तो पहले वो 10 चैप्टर को कवर करो, पैस्टल को छोड़ के पहले 10 चैप्टर को कवर करो, उसके बाद पैस्टल पे जाओ, उसका कॉन्सेप्ट लो, उसकी प्रैक्टिस करो, हाँ उसके बाद उसके थ्योरी वाले चैप्टर 1-5 जो है वो कवर करने की तरफ जाओ। तो पहले क्या करो, 10 चैप्टर जो हैं चैप्टर 9-17 इनको कवर करो। क्यों? इनके अंदर ज़्यादा पेपर के मार्क्स छुपे हुए हैं, पहले 6 चैप्टर के अंदर उतने मार्क्स नहीं छुपे हुए। पहले 6 चैप्टर के अंदर देखा जाए तो कितने मार्क्स होंगे, मैक्सिमम भी हुए तो 15, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए उनको छोड़ के आगे वाले जो चैप्टर हैं उनको पहले कवर करो, अपने आप को एक कॉन्फिडेंस दो कि हाँ ये हो गया है, फिर उनको देखो जो रिमेनिंग रह गया है। इसलिए सिलेक्टिव स्टडी नहीं, कॉन्सेप्ट हमें पूरे सिलेबस का लेना है, सिलेबस हमें फुल कवर करना है, प्रैक्टिस मस्ट करनी है, लैक ऑफ प्रैक्टिस पेपर को फेल करा देगी। पेस्टल के 3-4 क्वेश्चन हाथ से अटैम्प्ट करने हैं, 5-4 के क्वेश्चन हाथ से अटैम्प्ट करने हैं, BCG के हाथ से अटैम्प्ट करने हैं, AAA टक्कर मॉडल के, SWOT के, वैल्यू चेन के क्वेश्चन हमें हाथ से अटैम्प्ट करने हैं। बिल्कुल आंसर बस देख लिया हो, रटा लग गया, नहीं रटा नहीं यहाँ पर चलने वाला, रटा नहीं चलने वाला सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, आपको हाथ से प्रैक्टिस करनी है, फिर जाके पता चलेगा कि हाँ इस बात को करना कैसे होता है, इस हेड के अंदर ये बात कैसे लिखना होती है, वो लिखना सीखोगे तो पेपर में जाके लिखा जाएगा। इसलिए रिटर्न प्रैक्टिस सिर्फ हमें न्यूमेरिक एरिया की चाहिए नहीं, हमें थ्योरी एरिया की भी रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को हाथ से अटैम्प्ट करना है, हाथ से गुजारना है, हो सके तो अपने किसी टीचर को दिखा भी दो ताकि पता चल जाए कि अगर कोई चीज़ लैक कर रही है तो पेपर में जाने से पहले इम्प्रूव हो जाए। अपनी तरफ से बड़ा अच्छा लिख लोगे ना, लेकिन नहीं, किसी को दिखा लो, हो सकता है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट का चांस बन जाए, वो इम्प्रूवमेंट हमारे पेपर को पास करवा सकती है। सो रिटर्न वर्क ना करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है ये पेपर पास करने के लिए। न्यूमेरिक एरिया की प्रैक्टिस हमें चाहिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए हर न्यूमेरिक एरिया की और थ्योरेटिकल एरिया की भी, और रिवीजन मस्ट होनी चाहिए हर टॉपिक की। हर टॉपिक को इतना टाइम दें कि वो कवर भी हो जाए और उसके बाद रिवीजन के लिए भी कुछ टाइम बच जाए। हाँ, रिवीजन कब होनी चाहिए? रिवीजन आपकी थ्रू आउट सेशन भी चलनी चाहिए और एंड मंथ में तो फिर टारगेटेड रिवीजन होनी चाहिए ना, लाइक डेली बेसिस पे एक चैप्टर आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है और वो टारगेट मीट करना है। उस वक्त तक नहीं सोना चाहिए जब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। क्या टिप्स एंड टेक्निक्स हैं पेपर पास करने के लिए? सिलेबस सारा का सारा कंप्लीट करना है, कोई एरिया छोड़ना नहीं है, कोई एरिया भी छोड़ना नहीं है। सोशल मीडिया पे काफ़ी चैप्टर्स के लेक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट टीचर्स के पढ़े हैं, शॉर्ट लेक्चर भी पढ़े हैं, पूरे पूरे चैप्टर के ऊपर एक एक लेक्चर भी पढ़ा है, तो और नहीं तो कम से कम 1 घंटा वो एक लेक्चर सुन के थोड़ा कॉन्सेप्ट ही ले लो ताकि पेपर के अंदर कोई चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी जाए तो आप लिखने के काबिल हो। मीन बिल्कुल छोड़ देना एक चैप्टर को, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? उस चैप्टर में से 5 नंबर का भी पेपर अपीयर हो गया तो 5 नंबर हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, वो 5 नंबर पूरे नहीं तो चलो कोई 2 नंबर लेने के भी हम काबिल हो गए तो वो 2 नंबर हमारा 48 से 50 बना सकते हैं। तो प्लीज़ सिलेबस पूरा कवर करना है, प्रैक्टिस स्पेशली न्यूमेरिक एरियाज़ की अच्छी आपको करनी है। हाँ, वो अच्छी प्रैक्टिस हम कोशिश करेंगे इस सेशन में करने की, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन एटलीस्ट वो कर लो, साथ कुछ और एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन और देख लो तो काफ़ी हद तक अटैम्प्ट करने के काबिल बन जाएंगे। हाँ, ड्यूरिंग सेशन अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो ये मेरा नंबर दिया गया, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, या सेशन के बाद नेक्स्ट डे सेशन से पहले कॉल पे भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। सो मूव होते हैं स्ट्रेट वे अपने आज के टॉपिक की तरफ, और आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 14 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि कब रेट कौन सा यूज़ करना है, कब हमें चीज़ों को कैसे लेके चलना है, क्या हमारे पास डिफरेंट वेज़ हैं फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने के। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
जी हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर देखा जाए तो दो चैप्टर हैं, एक चैप्टर 13 है रिस्क मैनेजमेंट की। अगर हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, अगर हम बात करें, मुझे ज़रा 2 मिनट दीजिएगा, मेरे ख्याल से मुझे लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा। दो मिनट दीजिएगा, ज़रा थोड़ा सा लैपटॉप इशू आ रहा है। सो दो चैप्टर है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, एक चैप्टर 13 है और एक चैप्टर 14 है। चैप्टर 13 को देखा जाए तो इसके अंदर क्या है, टोटल मिला के 4 हेड हैं। एक फ्रेमवर्क है ISO 31000 रिस्क मैनेजमेंट का, ISO 31000 का फ्रेमवर्क है रिस्क मैनेजमेंट का, जिसके अंदर टोटल 4 हेड हैं। उसने क्या बताया है, एक हेड में उसने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बताया है कि एक बिज़नेस को अपने बिज़नेस रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के कोई 6 नीचे पॉइंट हैं। हाँ, वो रिस्क मैनेजमेंट में किन बातों का ख्याल रखना है, कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, कुछ टोटल 8 प्रिंसिपल्स की लाइनें हैं। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट में आपको हेल्प कैसे लेनी है, उसके लिए एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी दे दिया गया है कि मेन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो कैसे करना है, और एंड पे कोई बेनिफिट्स बता दिए गए हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या होगा। तो प्योर थ्योरी बेस टॉपिक है, टोटल 4 हेड हैं, हर हेड के अंदर, एक हेड के अंदर 8 पॉइंट हैं, एक हेड के अंदर 6 पॉइंट हैं, एक हेड के अंदर 5 पॉइंट हैं, और एक हेड में ऑन जनरल बेनिफिट लिखे गए हैं कि अगर एक बिज़नेस अपने रिस्क को मैनेज करना है तो उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो टोटली थ्योरी बेस एरिया है, मेरे ख्याल से अगर कोई 4 घंटे उसके ऊपर लगा दिए जाएं, ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, हर हेड को एक एक घंटा भी दे दिया जाए, क्यों, सिर्फ आपने लर्न नहीं करना, उसके बाद उसे लिखना भी है, तो 4 घंटे अगर उसको मैक्सिमम दे दिए जाएं तो वो चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है। उसके अंदर ऐसा सच कोई कहानियां नहीं है। हाँ, वहाँ से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट हो सकता है, किसी भी एक हेड के ऊपर लाइक रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट पूछे जा सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, मीन क्या आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, या रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो वो चैप्टर आप लोग खुद से कवर करोगे। हम अभी मूव होने जा रहे हैं चैप्टर जो 14 है हमारा, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कि एक बिज़नेस को फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ता है, किस सूरत में फेस करना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की सूरत में फेस करना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है, कि एक बिज़नेस ने सपोज इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है, उसने फ्यूचर में कोई फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, या फ्यूचर में कोई फॉरेन करेंसी में रिसीट लेनी है, तो करेंसी रेट के फ्लक्चुएट होने की वजह से उसका नुकसान हो सकता है। क्या ख्याल है, पेमेंट करनी है और फ्यूचर का रेट बढ़ गया तो उसका नुकसान हो जाएगा, रिसीट लेनी है फ्यूचर का रेट कम हो गया तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ये आज के एरिया में हमने देखना है।
जी आ जाए, हम देखते हैं क्या है हमारे पास। ये फॉरेक्स का एरिया, सो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट मीन फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज करना है, और हमारे सिलेबस के अंदर चैप्टर 14 में कुछ तीन तरह के फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने की बात की गई है। एक फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क कैसे मैनेज करना है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है, एक बात की गई है इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे मैनेज करना है, और एक बात की गई है कमोडिटी रिस्क को कैसे मैनेज करना है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है कि हमने फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में, आज तो रेट ये है लेकिन डॉलर लाइक पाकिस्तान डे बाय डे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो फ्यूचर में अगर रेट सपोज आज 170 है फ्यूचर में 200 हो गया तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, क्या कहला है ये जो आज के रेट और फ्यूचर के रेट में जो हमें नज़र आ रहा है 200 हो जाएगा, अच्छी खासी पेमेंट करना पड़ जाएगी, इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के अंदर। या इमरान खान ने कोई अच्छे काम कर दिए और डॉलर का रेट नीचे आ गया और हमें फ्यूचर में फॉरेन करेंसी में कोई बाहर से रसीट लेनी है, क्या ख्याल है तो सूरत में भी नुकसान हो जाएगा, तो इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के अंदर। ये बात समझ आती है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है कि हमें सपोज कि 2-3 माह बाद जो है वो लोन लेना है, 2-3 माह बाद हमें लोन लेना है, आज इंटरेस्ट रेट कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में कम चल रहे हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी आज का रेट कम चल रहा है, लेकिन हमें लोन आज तो नहीं लेना, क्यों आज ले के रखने का फ़ायदा नहीं है, हमारी ज़रूरत 3 माह बाद है, क्या ख्याल है तो 3 माह बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, क्या ख्याल है बढ़ गया तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, क्या ख्याल है तो इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये कहाँ पर पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क के अंदर। कमोडिटी रिस्क क्या है कि हमारे पास सपोज कोई कमोडिटी है हमने बेचनी है और बेचनी कब है कोई 2-3 माह बाद बेचनी है, लेकिन 2-3 माह बाद रेट कम ना हो जाए, रिस्क है, इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है कमोडिटी रिस्क। या हमें कोई 3 माह बाद कोई कमोडिटी चाहिए, आज नहीं चाहिए 3 माह बाद चाहिए कि हमारी ज़रूरत ही तब है, आज रेट कम है तो फ्यूचर में रेट बढ़ ना जाए, इस रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये कमोडिटी रिस्क में पड़ेंगे। सो आए पढ़ते हैं, पहले फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को हमने कैसे मैनेज करना है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के वो कहता है जी आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं डिफरेंट मेथड्स हैं, मीन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज किया जा सकता है थ्रू हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, हमारे सिलेबस में एक टोटल 4 हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। एक है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं, किसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि हमें 3 माह बाद फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है और डर है कि डॉलर का रेट ऊपर ना चला जाए, आज डॉलर है सपोज 178 का, हम बैंक के पास गए उसे कहा कि भाई 3 माह बाद मुझे फॉरेन करेंसी में इतनी पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के लिए आपको डॉलर बाय करने हैं सेल करने हैं, डॉलर बाय करके पेमेंट करनी है डॉलर सेल करके पेमेंट करनी है डॉलर बाय करके पेमेंट करनी है, तो भाई 3 माह बाद मुझे तुझसे इतने डॉलर बाय करने हैं, ठीक हो गया, लेकिन तू रेट मेरे साथ आज फिक्स कर ले, क्यों मैं बड़ा डरा हुआ हूँ फ्यूचर में पता नहीं डॉलर 200 क्रॉस ना कर जाए, तो बैंक क्या करेगा जी आपको एक रेट देगा जिसके अकॉर्डिंगली वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कि 3 माह बाद जो तूने इतने डॉलर मुझसे बाय करने हैं तो ये रेट पे मैं तुझे सेल करूँगा। हाँ आज रेट सपोज 178 है, बैंक ने हमसे एग्री कर लिया भाई 185 में मैं तुझे 3 माह बाद इन्हें डॉलर बेचूंगा। अब ये क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 3 माह बाद डॉलर का रेट चाहे जितना मर्जी हो, बैंक ने हमारे साथ जो एग्री किया है 185 तो हम 185 से ही बैंक से उतने डॉलर लेंगे। और इसकी खूबसूरती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कि इसके अंदर रेट भी फिक्स है आज से फिक्स हो गया, इसके अंदर क्वांटिटी भी फिक्स है मीन कितने डॉलर आपने लेने हैं वो भी फिक्स हो गया,
और दोनों पार्टीज इसके अकॉर्डिंगली बाउंड हैं, आपने डॉलर बाय करने हैं तीनवां बाद और बैंक ने तीनवां बाद डॉलर आपको बेचने हैं। तीनवां बाद अगर रेट ज़्यादा हुआ, रेट सपोज 200 है, आप बैंक से कितने में बाय करोगे? 185 में। क्या ख्याल है? तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, क्या ख्याल है? और आप सुबह सुबह ही तीनवां बाद बैंक के बाहर जाके बैठ जाओगे, बैंक अभी खुला नहीं, बाहर जाके बैठ गए हो, आता है आज मैं डॉलर लेके जाऊंगा, क्या ख्याल है? लेकिन अगर तीनवां बाद रेट 180 हो गया तो आपको 185 पे ही बाय करना पड़ेंगे, और इस सूरत में आप बैंक जाओगे नहीं, बैंक वाला आपको कॉल कर रहा होगा, भाई तीन माह पूरे हो गए, आके अपने डॉलर ले जा, आप कॉल उठाओगे नहीं, वो नंबर बदल के आपको कॉल करेगा और आपको ट्रेस करके आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली उतने डॉलर बाय करना पड़ेंगे, चाहे आपकी ज़रूरत तब है चाहे नहीं है। मीन बाइंडिंग है, दोनों पार्टीज़, रेट भी फिक्स हो गया, क्वांटिटी भी फिक्स हो गई, टाइम पीरियड भी फिक्स हो गया, और दोनों पार्टीज़ बाउंड हैं कि आपने क्या करना है, उस रेट पे उतने डॉलर लेने हैं। ये बात क्लियर होती है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एक और हमारे पास हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसे नाम दिया जाता है मनी मार्केट हेज का, मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज क्या है कि हम बैंक के पास गए फॉरवर्ड लेने, बैंक ने कहा नहीं भाई डॉलर तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, तो फॉरवर्ड फूड हम नहीं देते भाई, स्पॉट पे हमसे एक डॉलर लेने हैं तो ले ले, फॉरवर्ड फूड के पंगों में हम नहीं पड़ते। आपने बड़ा उसे मनाने की कोशिश की, उसने कहा ना मेरा पहले बड़ा नुकसान हो गया, लास्ट टाइम भी तुझे 185 में दिए थे, अगर रेट 200 हुआ हुआ था तो नहीं, फॉरवर्ड फूड नहीं है, स्पॉट पर लेने हैं तो ले ले। तो जब फॉरवर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपना एक तरह का फॉरवर्ड बनाएंगे, और वो अपना फॉरवर्ड बनाना क्या है, मनी मार्केट हेज है। अपना फॉरवर्ड बनाएंगे और वो अपना फॉरवर्ड खुद से बनाना, ये क्या है, मनी मार्केट हेज है, जिसके लिए हमें इंटरेस्ट रेट चाहिए होते हैं अपनी होम कंट्री करेंसी के भी और फॉरेन करेंसी के भी, और उनके अकॉर्डिंगली हम फॉरवर्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अभी थोड़ी देर में एक क्वेश्चन में जाएंगे, वहाँ से डिस्कस करेंगे। सो एक मेथड क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मीन बैंक से आज एग्री कर लिया तीन माह बाद मुझे इतनी डॉलर चाहिए तो रेट फिक्स कर लिया, और दूसरा मनी मार्केट है जिसके थ्रू हम अपना फॉरवर्ड बना लेते हैं। एक और तीसरा हमारे पास हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसे नाम दिया जाता है फ्यूचर्स का। फ्यूचर्स क्या है, एक मार्केट है, फ्यूचर्स एक मार्केट है जिसमें हवा में हम क्या करते हैं, करेंसी बाय करते हैं और सेल करते हैं, जिसके अंदर हम एंटर होते हैं सिर्फ और सिर्फ गेन या लॉस के लिए, ना तो हम कोई एक्चुअल वहां पे बाइंग मीन इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ना हम कोई एक्चुअल चीज़ सेल करके कैश ले रहे होते हैं। कैश इसमें क्या है, गेन हुआ तो उतना गेन का कैश हम लेके आ जाएंगे, और अगर लॉस हुआ तो उतना लॉस वाला कैश हम दे के आएंगे। एक्चुअल हमने कोई चीज़ वहाँ से बाय करके नहीं लानी, ना ही हमने कोई चीज़ एक्चुअली में ले जा के वहाँ पे सेल करनी है। हवा में ही हम क्या करते हैं, हमें डिफरेंट रेट मिलते हैं, लाइक तीन माह का फ्यूचर है, छः माह का फ्यूचर है, चार माह का फ्यूचर है, तो आपने देखना है कि आपको कौन सा फ्यूचर चाहिए। सपोज तीन माह बाद आपने पेमेंट करनी है तो फ्यूचर मार्केट आपको क्या करेगी, एक तीन माह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का रेट देगी। आपने पेमेंट करनी है फ्यूचर में तो आज आप क्या करोगे, एक फॉरेन करेंसी को बाय करोगे, एक फॉरेन करेंसी को बाय करोगे, कहाँ पे, फ्यूचर मार्केट के अंदर हवा में। मीन करेंसी आपने लेके नहीं रखी, ना ही आपने उसके पैसे दिए, सिर्फ आपने कागज़ों में एक जो है वो कार्रवाई की है कि इतनी करेंसी मैंने इस रेट पे जो है वो बाय कर ली। अब अगर बाय की है तो फ्यूचर मार्केट में आपको सेल भी करना पड़ेगी बाद में, सिर्फ बाइंग आप नहीं कर सकते, मीन बाय सेल दोनों करोगे तो गेन या लॉस की ट्रांजेक्शन पूरी होगी। इसलिए आपने बाय की है, कल को सेल करो ना करो, तो फ्यूचर मार्केट वाला जो एजेंट है, जो डीलर है, जिसके थ्रू आप ये फ्यूचर में खेलने जा रहे हो, वो आपसे कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करता है या आपसे कुछ ना कुछ पैसा एज ए सिक्योरिटी रखवा लेता है, ताकि कल को आप भाग जाओ तो पैसा फिर वो दबा लेगा। उस सिक्योरिटी को मार्जिन का नाम दिया जाता है। और फ्यूचर मार्केट में ऑलवेज आपको जो भी बाइंग या सेलिंग करनी है वो आपको लॉट्स में करना होती है, मीन एक एक सिंगल करेंसी आप बाय सेल नहीं कर सकते, उसके अंदर आपको लॉट्स निकालना पड़ती हैं कि कितनी लॉट्स आपको बाय करना है,
और पहले आप बाय करोगे तो बाद में सेल भी करोगे और उसके थ्रू देखोगे कितना गेन या लॉस हुआ है। गेन हुआ है तो उतना कैश आप फ्यूचर मार्केट से लेके आ जाओगे, लॉस हुआ है तो फिर उतना कैश आप फ्यूचर मार्केट में दे के वहाँ से निकलोगे। मीन बाय सेल दोनों करोगे, कोई एक काम आप नहीं फ्यूचर के अंदर कर सकते, ठीक हो गया। जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करते हैं। कैसे, एक दो क्वेश्चन देखेंगे पता चलेगा। एक और हमारे पास हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसे नाम दिया जाता है ऑप्शंस का। फॉरवर्ड में ऑब्लीगेशन है कि आपने क्या करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली चलना है। मीन 3 माह बाद आपको डॉलर बाय करना ही करना पड़ेंगे, चाहे रेट ज़्यादा हो चाहे कम हो। जबकि ऑप्शंस क्या है, ऑब्लीगेशन नहीं राइट होता है। मीन फ्यूचर में अगर आपको नज़र आया रेट ज़्यादा है फिर तो आप क्या करोगे, करेंसी जो है वो लोगे। अगर फ्यूचर में रेट कम हुआ तो आप छोड़ भी सकते हो। और ऑप्शंस में क्या होता है, अगर आपको बाय करनी है फॉरेन करेंसी तो आप जाओगे किस पे, कॉल ऑप्शन पे। और अगर आपको सेल करनी है फॉरेन करेंसी रसीट की सूरत में तो आप जाओगे पुट ऑप्शन पे। मीन फ्यूचर में आपको बाय सेल दोनों करना पड़ते हैं ऑप्शंस के अंदर। ये भी एक मार्केट है लाइक फ्यूचर। ऑप्शंस भी क्या है, एक मार्केट है लाइक फ्यूचर, जहाँ पे आपको कुछ लॉट्स जो है वो या तो कॉल करनी है या फिर पुट करनी है। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि दोनों काम करने हैं, आप एक काम करोगे और दूसरा काम देखोगे। अगर तो मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है तो फिर तो आप एक्सरसाइज करोगे ऑप्शन को, और अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम है तो फिर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। मीन इसमें आपको एक स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस जो है वो बताई जाती है कि इस प्राइस पे हम आपको इतनी करेंसी जो है वो बेचेंगे। और आप देखोगे कि अगर तो मार्केट प्राइस उससे ज़्यादा है तो दिस मीन जो प्राइस आपको मिली थी वो कम है, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे। और अगर मार्केट प्राइस कम हुई उस प्राइस से जिसे आपको ऑफर की गई थी तो फिर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे, क्या करोगे, मार्केट से वो करेंसी बाय करोगे। मीन इसमें दोनों काम बाय सेल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ्यूचर के अंदर दोनों काम करना ज़रूरी है। बाय किया है तो सेल भी करना है, सेल किया है पहले तो बाद में बाय भी करना है। फॉरवर्ड ऑब्लीगेशन है कि आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना ही चलना है। सी 4 हमारे पास हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करते हैं। आए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हम एक क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाते हैं। सो क्वेश्चन हमें मिला, रिक्वायरमेंट विच इज़ द चीपेस्ट मैथड फॉर ABC PLC। मीन चीपेस्ट मैथड आपने बताना है कौन सा है, चीपेस्ट मैथड पेमेंट की सूरत में, रसीट की सूरत में, पेमेंट की सूरत में होगा। क्या कह रहे हैं आप, फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, तो आप देखना चाहोगे कि इसमें कम से कम कॉस्ट आएगी वो क्या होगा, चीपेस्ट मैथड होगा। क्या कह रहे हैं, रसीट लेनी है तो उसमें तो बेनिफिशियल देखा जाएगा ना, क्या कह रहे हैं। तो चीपेस्ट का मतलब क्या है कि फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो डिफरेंट मेथड्स के आप कॉस्ट निकाल के बताओगे कौन सा चीपेस्ट है, मीन जिसकी कॉस्ट सबसे कम है। हाँ देखते हैं क्या, ABC PLC हैज़ बॉट गुड्स फ्रॉम US सप्लायर एंड मस्ट पे $4 million फॉर देम इन 3 months टाइम। सो कंपनी ने US सप्लायर से कोई चीज़ें बाय की हैं और 4 मिलियन की पेमेंट करनी है 3 मंथ्स टाइम में, $4 million में पेमेंट करनी है। दिस मीन फॉरेन करेंसी क्या है, डॉलर। क्वेश्चन में सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी होम करेंसी क्या है और फॉरेन करेंसी क्या है। तो फॉरेन करेंसी है डॉलर। अभी आप कहाँ पे हो नहीं बताया उसने, क्या ख्याल है, अभी आप कहाँ पे हो नहीं बताया उसने। पाकिस्तान पाक रुपये भी हो सकता है, हो सकता है आप UK में बैठे हो सकता है आप यूरोप में बैठे हो, क्या ख्याल है। तो फॉरेन करेंसी में आपने पेमेंट करनी है 3 मंथ्स टाइम में, कितनी, $4 million, ठीक हो गया। द कंपनीज फाइनेंस डायरेक्टर विशेज टू हेज अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड 3 मैथड्स विच द कंपनी यूजली कंसिडर आर। और हेज करना है और हेज करने के उसने कोई 3 मैथड बता दिए हैं, मेकिंग लीड पेमेंट। बेसिकली ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लीड पेमेंट का मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, आज जो है वो एडवांस में पेमेंट कर दोगे। मेकिंग लीड पेमेंट का मतलब क्या है कि आप आज एडवांस में पेमेंट कर दोगे। कैसे,
डॉलर बाय करके पैसे कहाँ से लाओगे? आपने तो 3 माह बाद पेमेंट करनी है, पैसे तो आपके पास 3 माह बाद आने हैं, तो आप आज क्या करोगे? होम कंट्री में उधार लेके, लोन लेके, डॉलर बाय करके पेमेंट कर दोगे, क्या कहलाते हैं? इसकी कॉस्ट निकाली जा सकती? कैसे? जो आज का स्पॉट रेट चल रहा है उस पर डॉलर हमें कितने का मिलेगा वो अमाउंट निकालेंगे, साथ ही अमाउंट हमने कहाँ से लेनी है? बैंक से लोन लेके, तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी इसकी, क्या कहला? दूसरा मेथड क्या है? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड 3 माह का फॉरवर्ड का रेट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। और तीसरा मेथड क्या है? मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज वो क्या है? अभी कैलकुलेशन करेंगे। द फॉलोइंग एनुअल इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट आर करंटली अवेलेबल। यूएस डॉलर और यूके पाउंड। पेमेंट आपने किस में करनी है? डॉलर में। तो दिस मीन आपकी होम कंट्री, होम करेंसी क्या है? यूके पाउंड। मीन आप कहाँ पे बैठे हो? यूके में बैठे हो। ये चीज़ डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है पहले कि आप का फॉरेन जहाँ पे पेमेंट करनी है, रिसीट करनी है, वो करेंसी क्या है और आपकी होम करेंसी क्या है। ये बात समझ आती है? और हमारे पास 1 मंथ डिपॉजिट बोरिंग रेट दिए गए हैं यूएस डॉलर के। आपने 3 माह बाद पेमेंट करनी है, 1 मंथ बाद पेमेंट करनी है, 3 माह बाद पेमेंट करनी है, तो ये 1 मंथ वाले रेट का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्या ख्याल है? 1 मंथ वाले रेट का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप बैंक से पैसे उधार लेने जाते हो तो आपने 3 माह के लिए लेने हैं, बैंक में डिपॉजिट करने जाते हो तो फिर भी आपने 3 माह के लिए डिपॉजिट करने हैं, तो इसलिए ये 1 मंथ वाले रेट को आपने पहली बात तो यूँ काटा लगा के ज़िंदगी को आसान कर देना है, ठीक हो गया? मीन 1 मंथ के लिए आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो ये रेट होगा, 1 मंथ के लिए बैंक से बारो करते हो तो ये रेट होगा। आपका 1 मंथ नहीं, आपका तो टाइम पीरियड कितना है? 3 मंथ्स है। आपने बारो भी करने हैं तो 3 मंथ्स के लिए करने हैं, अगर डिपॉजिट भी करने हैं तो कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए करने हैं, ठीक हो गया? सो आपकी होम कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट है डिपॉजिट का 11% और बारो करने का 14.25%, और डॉलर मीन फॉरेन कंट्री जो है उसका डिपॉजिट रेट 7% और बारो रेट 10.75%। ये इंटरेस्ट रेट ऑलवेज एनुअल दिए होते हैं। क्या होते हैं? एनुअल होते हैं। और हमने 3 मंथ्स पे लेके जानी अपनी कैलकुलेशन, तो हम ऑलवेज इन इंटरेस्ट रेट को इंटू 3/12 किया करेंगे। ये बात समझ आती है? इंटरेस्ट रेट जब भी दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में एनुअल दिया जाएगा। आपकी 6 माह की पेमेंट रिसीट है तो इंटू 6/12 क्या करोगे? 3 मंथ्स की पेमेंट रिसीट है इंटू 3/12 क्या करोगे? 2 मंथ्स की पेमेंट रिसीट है इंटू 2/12 क्या करोगे? उसके बाद हमारे पास स्पॉट रेट दिया गया है, एक्सचेंज रेट पर पाउंड। एक्सचेंज रेट पर पाउंड स्पॉट रेट दिया गया है जी। हमारे पास 2 रेट दिए गए हैं जिसमें एक रेट बाय रेट होता है और एक सेल रेट होता है। और ये रेट किसकी तरफ से होते हैं? बैंक की तरफ से होते हैं, एक्सचेंज की तरफ से होते हैं, जहाँ पे जाके आप डॉलर एक्सचेंज कर रहे होते हो। और अपने आप को सोचो कि अगर आप बैंक हो, एक्सचेंज हो, डॉलर बेचते हो, तो डॉलर खरीदते भी हो लोगों से, आप खरीदते वक्त लो रेट चार्ज करोगे, बेचते वक्त हाई रेट चार्ज करोगे, क्या कहला है? ये जो 2 रेट दिए गए हैं स्पॉट के, 1.8625 और 1.8635, तो जो पहला रेट है ये एक्सचेंज का बाइंग रेट होगा जिससे वो आपसे डॉलर खरीदेगा, क्या कहला है? आप बेचोगे तो एक्सचेंज का बाइंग रेट आपके लिए क्या होगा? सेलिंग रेट। और दूसरा रेट 1.8635 ये क्या होगा? सेल रेट। किसका? एक्सचेंज का। मीन वो अगर डॉलर सेल करता है तो इस रेट पे सेल करेगा, तो आपके लिए ये क्या होगा? बाइंग रेट। अब इन रेट्स के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मसला आता है कि किस रेट से हमने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, किस रेट से हमने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अब केस मल्टीप्लिकेशन का है या डिवीजन का है, ये देखने के लिए आपको देखना होता है कि आइदर जो कोट है वो डायरेक्ट कोट है या फिर इनडायरेक्ट कोट है, डायरेक्ट कोट है या फिर इनडायरेक्ट कोट है। डायरेक्ट कोट क्या होगी? डायरेक्ट कोट में जो फॉरेन करेंसी है उसे 1 रखा जाएगा। डायरेक्ट कोट में फॉरेन करेंसी को
वन रखा जाएगा। सपोज हमने कहा जी कि वन डॉलर जो है वो इक्वल टू है रुपीज 178, और जो वन हो ना उसे आपने ऑलवेज बेस बनाना है, डिनोमिनेटर में रखना होता है, और जो ज्यादा अमाउंट हो उसे आपने न्यूमिनेटर में रखना होता है। और डायरेक्ट कोट में क्या होगा, फॉरेन करेंसी को बेस बनाया जाएगा, मीन फॉरेन करेंसी क्या होगी, वन, और आपकी करेंसी उसके मुकाबले में नंबर में ज्यादा। ये बात समझ आती है? इस सूरत में आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई की तरफ जाना होता है। मीन इस सूरत में आपने क्या करना होता है, रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। ऑब्वियसली आप अगर करेंसी सेल करने जा रहे हो तो एक्सचेंज का बाय रेट से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप करेंसी बाय करने जा रहे हो तो एक्सचेंज का सेल रेट से मल्टीप्लाई करोगे। ये बात समझ आती है? आप जब बाय करने जाओगे तो आपको पैसे ज़्यादा देना पड़ेंगे, जब आप डॉलर सेल करने जाओगे तो आपको पैसे कम मिलेंगे। तो आपने देखना है मल्टीप्लाई करके किस रेट से मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा अमाउंट बनेगी, बाय करते वक्त उससे मल्टीप्लाई करोगे ना। ये बात समझ आती है? डायरेक्ट कोट की सूरत में क्या करना है, मल्टीप्लाई। डायरेक्ट कोट की सूरत में फॉरेन करेंसी बेस होगी, मीन वन होगी, और आपकी करेंसी नंबर में ज़्यादा होगी। इनडायरेक्ट कोट की बात करें तो कहता है इनडायरेक्ट कोट में फॉरेन करेंसी नंबर में ज़्यादा होगी, आपकी होम करेंसी वन होगी। इनडायरेक्ट कोट में आपकी होम करेंसी वन होगी, फॉरेन करेंसी की जो है वो वैल्यू ज़्यादा होगी। सपोज हमने कहा जी कि आपकी होम करेंसी जो है वो पाउंड वन है और वो इक्वल टू है 1.875 डॉलर। आप यूके में हो, आपकी होम करेंसी क्या है, पाउंड, और अगर वो वन है तो उस कोड को हम क्या नाम देंगे, इनडायरेक्ट कोड का। और इस सूरत में क्या होगा, डिवीजन का केस होगा। मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप रेट से, क्या करोगे, डिवाइड करोगे। मल्टीप्लाई नहीं क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये बात समझ आती है? डायरेक्ट कोट में आपकी फॉरेन करेंसी वन होगी, होम करेंसी नंबर में ज़्यादा होगी। इनडायरेक्ट कोट में होम करेंसी वन होगी, मीन बेस होम करेंसी होगी, और फॉरेन करेंसी नंबर में ज़्यादा होगी। और डायरेक्ट कोट की सूरत में मल्टीप्लीकेशन का केस आता है, इनडायरेक्ट कोट की सूरत में डिवीजन का केस आता है। इसमें एक और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम जो है वो एक अपना गोल्डन रूल याद रखेंगे। गोल्डन रूल, प्लीज़ ये भूलना नहीं है। गोल्डन रूल क्या है कि हमारा एक गोल्डन रूल हुआ करेगा, पे मोर रिसीव लेस। हमने की है इम्पोर्ट, दिस मीन हमें करनी है पेमेंट। क्या कह रहा है, हमने की है इम्पोर्ट, हमें करनी है पेमेंट, पेमेंट करते वक्त हमें क्या करना है, बाय करनी है फॉरेन करेंसी, तो उस वक्त हम क्या किया करेंगे, पे मोर गोल्डन रूल याद रखा करेंगे। मीन दोनों रेट से कैलकुलेशन कर लो, दोनों से दो वैल्यूज़ आएंगी। क्या कह रहा है, जिससे वैल्यू ज़्यादा आ रही है आप वो रेट कैलकुलेशन में यूज़ किया करोगे, या सीधा सीधा अमाउंट ही लिख दिया करोगे कि इतनी हमें जो है वो होम करेंसी फॉरेन में पे करनी है। ये $4 मिलियन को हमने कन्वर्ट करना है पाउंड में, तो दोनों पे कन्वर्ट कैलकुलेशन करेंगे दोनों रेट पे, और पेमेंट करनी है तो बड़ी अमाउंट हम ले लेंगे। ये बात समझ आती है? रिसीव लेस, रिसीव कब होगा, जब आपने की है एक्सपोर्ट, जब आपने किया एक्सपोर्ट तो आपने क्या करना है, रिसीव करना है, और रिसीव करने के बाद डॉलर क्या करना है, घर पे रखना है या सेल करना है, सेल करना है ना अपनी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो सेल करते वक्त क्या होगा, रिसीव लेस दोनों रेट पे कैलकुलेशन करो, जो छोटी अमाउंट होगी उसको आप रुपीज़ ले लो। ये बात समझ आती है? आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ये जो पे मोर का केस है, अगर मल्टीप्लीकेशन का केस आ गया, मल्टीप्लीकेशन का केस आ गया, तो आपने क्या करना है, हाई रेट पे जो है वो मल्टीप्लाई करना है। और अगर डिवीजन का केस आ गया तो आपने लो रेट पे डिवाइड करना है, फिर जाके पे मोर बड़ी अमाउंट निकलेगी।
मीन डायरेक्ट कोट है, पेमेंट है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो किस रेट पे करना है, हाई रेट पे। पेमेंट का केस है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कोट है, दिस मीन डिवाइड करना है, तो किस रेट पे डिवाइड करोगे, लो रेट पे। ये बाय सेल, उसका बाय उसका सेल, हमारा क्या है, हमारा बाय है, हमारा सेल है, इस पंगे से निकल जाओ। इस पंगे में पढ़ोगे तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट पेपर में मिस्टेक करोगे ही करोगे यहाँ पे। इसलिए दो रेट दिए गए हैं, एक बाय है, एक सेल है, दोनों के साथ कैलकुलेशन कर लो, दोनों के साथ कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करके देख लो, पेमेंट की सूरत में पे मोर वाली अमाउंट ले लो, रसीड की सूरत में छोटी वाली अमाउंट ले लो, या मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट कोट की सूरत में तो किस पे करना है, पेमेंट की सूरत में हाई रेट पे। और अगर डिवीजन इनडायरेक्ट कोट वाला केस आ गया तो फिर आपने जो फॉरेन करेंसी है उसको डिवाइड करना है, किस रेट पे, हाई रेट पे नहीं, लो रेट पे, फिर लो रेट पे जाके पे मोर निकलेगा। उस तरह से रिसीव लेस की सूरत में अगर मल्टीप्लीकेशन का केस है तो आपने मल्टीप्लाई करना है लो रेट पे, फिर जाके रिसीव लेस आएगा, इन फॉरेन करेंसी में रिसीट है। और अगर डिवीजन का केस है तो आपको डिवीजन करनी है किस पे, हाई रेट पे। कैसे, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। इसलिए जब भी दो रेट आ जाएं बाय सेल तो आपने क्या करना है, दोनों पे कैलकुलेशन कर लेनी है, दोनों पे कैलकुलेशन कर लेनी है, और कैलकुलेशन करके देख लेना है कि पेमेंट है तो पे मोर ले लेनी अमाउंट, रसीट है तो रिसीव लेस अमाउंट ले लेनी है। एक या दो मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन ये एक या दो मिनट आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बचा देंगे। अदरवाइज पेपर के अंदर ऑलरेडी सेंसेस वीक होते हैं, और अगर यही ना पता चला कि ये बाय हमारा है, ये लेस है, हमने मल्टीप्लाई करना था या डिवाइड करना था, तो मसले में फंस जाएंगे। क्या ख्याल है, अभी देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होगी। सो पे मोर रिसीव लेस, पे मोर रिसीव लेस, पे मोर की सूरत में मल्टीप्लाई करना है तो हाई रेट से, डिवाइड करना है तो लो रेट से, रिसीव लेस की सूरत में मल्टीप्लाई करना है तो लो रेट से, डिवाइड करना है तो हाई रेट से, या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से भी निकल जाओ। सिंपली क्या करना है, दोनों रेट पे कैलकुलेशन करनी है, पेमेंट है तो पे मोर, रिसीट है तो रिसीव लेस वाली अमाउंट ले लेनी। आगे क्वेश्चन वापस। सो क्या है जी, हमारे पास $4 मिलियन की हमने पेमेंट करनी है 3 मंथ्स टाइम में, और हमारे पास उसने कहा जी 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, मेकिंग लीड पेमेंट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, यूजिंग मनी मार्केट हेज, और उसने हमें बोरो और डिपॉजिट के रेट दे दिए, डॉलर के भी और यूके पाउंड के भी, और हमारी होम करेंसी यूके पाउंड है। स्पॉट रेट हमें मिल गया £1 इज इक्वल टू दिस डॉलर, मीन इनडायरेक्ट कोट है, डायरेक्ट कोट नहीं है। क्या ख्याल है, बेस होम करेंसी है, डायरेक्ट कोट में बेस फॉरेन करेंसी होती है, $170 इज इक्वल टू $1। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, डॉलर नंबर में ज़्यादा है, आपकी होम करेंसी जो है वो 1 है। बात समझ आती है। उसके बाद हमारे पास 1 मंथ फॉरवर्ड दिया गया है, 3 मंथ्स फॉरवर्ड का रेट दिया गया है। अगर आप फॉरवर्ड पे जाते हो तो आपने कितने मंथ्स का फॉरवर्ड लेना है, 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, क्यों, पेमेंट 3 मंथ्स बात करनी है। तो इसलिए जो 1 मंथ वाला फॉरवर्ड है इसको गोली मार दो, यहाँ से निकाल दो, ज़िंदगी आसान कर लो। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ जी, हमें क्या करना है जी, पहले मेकिंग लीड पेमेंट की कैलकुलेशन करनी है। तो नंबर 1 लीड पेमेंट, लीड पेमेंट का मतलब क्या है, पेमेंट इन एडवांस, मीन आज ही हम पेमेंट कर देते हैं, कैसे, उधार लेके अगर पैसे नहीं है तो। कितने डॉलर हमने पे करने हैं सर, कितने डॉलर पे करने हैं, $4 मिलियन हमने पे करने हैं। तब हमने देखना है कि ये कितने पाउंड बनेंगे जो हमें बैंक से उधार लेने हैं, हमने देखना है ये कितने पाउंड बनेंगे जो हमें बैंक से उधार लेने हैं। और हमने क्या कहा, हम दोनों कैलकुलेशन क्या करेंगे, क्यों, रेट हमारे पास स्पॉट का देखा जाए तो 2 दिए गए, अब पेपर में बैठे हो नहीं पता चल रहा, मल्टीप्लिकेशन का केस है, डिवीजन का केस है, डायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है, वो होम करेंसी बेस थी डायरेक्ट कोट में या फॉरन करेंसी बेस थी, वो मल्टीप्लाई करना था पे मोर में या रिसीव लेस में, छोटे रेट से मल्टीप्लाई करना था, बड़े से करना था, भूल गए। क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, 2 कैलकुलेशन करेंगे, पेज को यूं 2 हाफ में डिवाइड करेंगे। एक तरफ हम इधर लिखेंगे जी ये डॉलर है और ये पाउंड है, और इधर भी लिखेंगे ये डॉलर है और ये पाउंड है, ठीक हो गया। रेट में देखा जाए तुम्हारे पास जी 1 पाउंड है, 1 पाउंड है, और डॉलर जो है हमारे पास
डॉलर जो है हमारे पास वो कितना है, 1.8625, और डॉलर कितना है हमारे पास, 1.8635। हमने पेमेंट करनी है डॉलर में, कितनी, 4 मिलियन। तो डॉलर वाली साइड पे 4 मिलियन लिखो, और फाइंड क्या करना है हमने, पाउंड, तो उसको लिख दो एक्स। हमने पेमेंट करनी है डॉलर में कितनी, 4 मिलियन की, तो डॉलर वाली साइड पे 4 मिलियन लिखो और इधर क्या लिख दो, एक्स। और क्या करो, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से क्या आ गया, एक्स नहीं, 1.8625x इज इक्वल टू 1 × 4 मिलियन। तो दिस मीन x इज इक्वल टू 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.8625। क्या कह रहा है, मुझे प्लीज वैल्यू दे देंगे, यहां से x की क्या निकली, कितनी, 214765। ये क्या निकल आए, पाउंड, 2147651। ठीक हो गया। और दूसरी साइड से भी ये इसी तरह बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.8635। क्या ख्याल है, यहाँ से x क्या बना, 2146499। तो मुझे बताओ, आपने पेमेंट करनी थी या रिसीट थी आपकी, पेमेंट करनी थी, बड़ी अमाउंट कौन सी है, 2147 या 2146। 2147 मीन ये बड़ी अमाउंट है आपकी, क्या ख्याल है, पे मोर यही निकल रहा है। दिस मीन आपने क्या कर लिया जी, पाउंड निकाल लिए कि आपको कितने पाउंड जो है वो अभी पे करने हैं 4 मिलियन डॉलर की लीड पेमेंट करने के लिए। ये बात समझ आती है, क्या ख्याल है। अब हमें क्या करना है, ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्यों, उधार पे लेके देना है, उधार पे लेके देना है, कितने माह के लिए, 3 माह के लिए। तो 3 माह का इंटरेस्ट रेट देखो हमारे होम कंट्री का, हमने कहाँ पे ये बारो करना है, अपने होम कंट्री के अंदर। क्या ख्याल है, लोन हमें फॉरेन कंट्री नहीं देगा, अपना होम कंट्री देगा। क्या रेट है हमारे पास, बोरिंग का रेट 14.25%। क्या ख्याल है, तो क्या करेंगे हम, इस पे 14.25% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो इंटरेस्ट इस पे अगर हम चार्ज करें तो कितना होगा, 2147651। कितना रेट है, 0.1425, और इसको हम into 3/12 भी करेंगे। क्या कह रहा है, इसको into 3/12 भी करेंगे। अमाउंट बताइएगा मुझे ज़रा, कितनी बनी इंटरेस्ट की, 76510। तो ये दोनों अमाउंट अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगी क्या, नेट कॉस्ट। क्या कह रहा है, नेट कॉस्ट कितनी, 2244161। ये क्या आ गया आपके पास, पाउंड आ गई। तो एक ऑप्शन हमारे पास लीड पेमेंट आ गई। हाँ, ये दो कैलकुलेशन कैसे करनी है, अभी हमने सिर्फ ये सीखा है। ये दो कैलकुलेशन करने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 2 मिनट हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन सेव कर देंगे। क्यों, पेपर के अंदर प्रेशर में नहीं पता चलेगा डायरेक्ट कोट है इनडायरेक्ट कोट है, इधर हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, किस रेट से करना है। तो इसलिए हम दोनों कैलकुलेशन करेंगे। अगर पेमेंट का केस है, जिसमें डॉलर बाय करने हैं, बाय करते वक्त पे मोर, अगर यही हमने फ्यूचर में डॉलर रिसीव करना होते तो रिसीव करके हमने सेल करने हैं, तो उस रूप में सेल करते वक्त क्या होता है, रिसीव लेस मीन ये वाली अमाउंट हम पाउंड की ले लेते। क्लियर होगी बात, क्या कहला है। अब हम चले गए जी फॉरवर्ड की तरफ, फॉरवर्ड भी हमारे पास, ज़ूम डिस्कनेक्ट हो गया, स्क्रीन शेयरिंग वजह से हमने वो कैमरे से कनेक्ट कर, 2 मिनट।
कैमरा चल रहा था जी। शेयरिंग वर्क हो गई जी। मेकिंग लीड पेमेंट का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि हमें 4 मिलियन की 3 माह बाद पेमेंट करनी थी डॉलर की, हमारी होम करेंसी है पाउंड, तो हमने सोचा आज हम क्या करते हैं पाउंड बारो करके अपनी होम कंट्री में ये 4 मिलियन की पेमेंट अभी एडवांस में कर देते हैं, क्यों फ्यूचर में पता नहीं रेट शेट चेंज होने से हमारा नुकसान ही ना हो जाए। क्या ख्याल है, इंटरेस्ट रेट तो हमें पता चल गया ना इतना को है और आजकल वैसे ही कम चल रहा है, और अगर आपको नज़र आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम है डॉलर शायद बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो आप एडवांस पेमेंट करके अपना फ्यूचर रिस्क मैनेज इस तरह से भी कर सकते हो। क्या कह रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट आपको कम नज़र आ रहा है तो आप क्या करोगे बारो करके आज डॉलर बाय करके पे कर दोगे। क्या कह रहा है, 3 माह बाद जो आपने पेमेंट करनी थी जब कैश आएगा तो बैंक को क्या करोगे लोन वापस कर दोगे। हाँ 3 माह आपने क्या किया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा, लेकिन इंटरेस्ट आपको पता है कितना देना है और उतना ही दिया होगा, करेंसी रेट शायद बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने से नुकसान हो सकता था। क्या कहला, जैसे आजकल के दौर में देखा है तो इंटरेस्ट रेट क्या है, लो चल रहे हैं, पूरी दुनिया में लो चल रहे हैं आफ्टर कोरोना इफेक्ट, तो आप इस तरह से भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कर सकते हो। दूसरा आपके पास मेथड क्या है कि आप क्या कर सकते हो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कर सकते हो। फॉरवर्ड के लिए क्या करोगे, बैंक के साथ एक रेट एग्री करोगे 3 माह बाद वाला रेट, और उसने आपको क्वेश्चन के अंदर 3 माह बाद वाला फॉरवर्ड का रेट दिया हुआ है। क्या कह रहा है, 3 माह बाद वाला फॉरवर्ड का रेट दिया हुआ है, ये रेट है बैंक की तरफ से बाय का, ये रेट है बैंक की तरफ से सेल का, लेकिन अगेन पंगा डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, किस रेट से करना है। क्या कह रहा है, तो पार्ट वन से शायद हमें पता चल गया डिवीजन का केस है, ये पता चला पार्ट वन से डिवीजन का केस है। क्या कह रहा है, और पेमेंट करते वक्त आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, तो बड़े रेट से करना है छोटे रेट से करना है, छोटे रेट से करना है। छोटा रेट कौन सा है ज़रा देख के मुझे बताएं, छोटा रेट कौन सा है क्वेश्चन में देखें ज़रा, कौन सा 1.8445। क्या कह रहा है, इसके साथ डिवाइड करोगे कितनी, किस अमाउंट को, 4 मिलियन डॉलर को, सो डॉलर 4 मिलियन जो है हमारे पास, इसको हम डिवाइड करेंगे, छोटा रेट कितना 1.8445, तुम्हारे पास एक पाउंड में अमाउंट आ गई कितनी 2168609, तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। क्या कहला, सो दो हमने देख ली, अब तीसरी हमारे पास क्या है, मनी मार्केट हैज है, मनी मार्केट हैज है, मनी मार्केट हैज में अगर हमने जाना है तो आइए देखें जी मनी मार्केट हैज को कैसे डील करना है। मनी मार्केट हैज, मनी मार्केट हैज से रिलेटेड आपने क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर तो फ्यूचर में आपने कोई पेमेंट करनी है, पेमेंट का केस है, तो आज आपने क्या करना है, फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करना है। जोर तो नहीं बोला मैंने, सर सब कुछ बंद हो गया, ये रीस्टार्ट तो नहीं मुझे करना पड़ेगा कुछ। ओके सो अगर आपको फॉरेन करेंसी में फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो आपको क्या करना है जी, आपको क्या करना है, क्रिएट करना है क्या, फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी एसेट कैसे क्रिएट करना है, आपने फॉरेन करेंसी में एक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना है, फॉरेन करेंसी में पैसा डिपॉजिट करना है, कितना डिपॉजिट करना है, इतना डिपॉजिट करना है कि 3 माह बाद इंटरेस्ट लग के वो 4 मिलियन डॉलर बन जाए। इतना डिपॉजिट करना है कि 3 माह इंटरेस्ट लग के वो कितना बन जाए, 4 मिलियन डॉलर बन जाए। क्या ख्याल है, तो वो पैसा आपको निकालना है।
मीन 4 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये 4 मिलियन जो 3 माह बाद हमने पे करना है, तो आज हमें एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में इतना पैसा डिपॉजिट करना है, मीन इतने डॉलर डिपॉजिट करने हैं कि 3 माह का इंटरेस्ट लग के वो कितने बन जाएं, 4 मिलियन, ताकि हम 3 माह बाद वो 4 मिलियन पे कर देंगे। हाँ, वो पैसा आना कहाँ से है वो भी देखेंगे। तो पहले आपने क्या करना है, फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करने के लिए डिपॉजिट करना है कितना, 4 मिलियन डॉलर की प्रेजेंट वैल्यू डिपॉजिट करनी है। तो 4 मिलियन डॉलर की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1+i होता है ना रेट, तो यहाँ पे डिपॉजिट रेट लोगे किसका, फॉरेन करेंसी का। और डिपॉजिट रेट फॉरेन करेंसी का देखो तो क्वेश्चन में उसने आपको दिया हुआ है कितना, 7%। 12 नहीं, क्या करने जा रहे हो, डिपॉजिट, तो डिपॉजिट रेट लेना है, या इसकी जगह पे लैंड रेट भी दिया होता है, लैंड रेट है या डिपॉजिट रेट है। और दूसरा क्या होगा, 12, तो आप यहाँ पे 12 करने नहीं जा रहे, आप क्या करने जा रहे हो, फॉरेन करेंसी के अंदर डिपॉजिट करने जा रहे हो, तो उसका डिपॉजिट का रेट आपने लिया और वो कितना मिला, 7%। 7% को 0.07 बोलते हैं, क्या कहला है, इस 0.07 को पहले आपने मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 12 करना है, किसको, 0.07 को। फिर इसको आपने क्या करना है, +1 करना है, और फिर आपने देखना है 4 मिलियन डिवाइड बाय दिस अमाउंट, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी डॉलर में ही, कितनी, 3931204। मीन इतने डॉलर आज अगर हम डिपॉजिट करें एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में, तो 3 माह बाद इंटरेस्ट लग के वो कितने बन जाएंगे, 4 मिलियन। अब ये हम डॉलर कहाँ से लाएंगे डिपॉजिट करने के लिए, तो ये हम ट्रांसफ़र करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ से, फ्रॉम होम करेंसी, और होम करेंसी आपकी क्या है, पाउंड। ये कहाँ से आपने ट्रांसफ़र करने हैं, होम करेंसी से आपने ट्रांसफ़र करने हैं। दिस मीन इसको होम करेंसी में कन्वर्ट करो, इसको होम करेंसी में कन्वर्ट करो। पहले कितने कन्वर्ट करेंगे, 3931204 हमने डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट कैसे करना है, डॉलर बाय करके सेल करके, डिपॉजिट करने के लिए क्या करोगे, डॉलर बाय करोगे ना, क्या ख्याल है, तो बाय करोगे। डिवीजन का केस है, किस रेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, किस रेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, छोटे रेट से डिवाइड करोगे, इनडायरेक्ट कोट है, अभी हमने पीछे किया भी, क्या ख्याल है। दिस मीन ये जो अमाउंट है 3931204, इसको डिवाइड करेंगे छोटे रेट से, और छोटा रेट क्वेश्चन में ज़रा देख के मुझे बताएं कितना है, 1.8625। ये क्या बन गए हमारे पास, पाउंड बन गए, ये हमारे पास पाउंड बन गए, क्या ख्याल है, कितने पाउंड बन गए, 2110714। मीन इतने पाउंड हमें चाहिए, इतने डॉलर जो है वो डिपॉजिट करने के लिए, इतने पाउंड हमें चाहिए, इतने डॉलर आज डिपॉजिट करने के लिए। क्यों, इतने डॉलर आज हम डिपॉजिट करेंगे तो 3 मंथ्स बाद इंटरेस्ट लग के वो 4 मिलियन बन जाएंगे जो हम पे कर देंगे। ये पाउंड हम कहाँ से लेंगे, अपनी होम कंट्री में बारो करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, बारो करेंगे, और बारो करेंगे तो उसके ऊपर क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। अब इनका 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल के इसमें ऐड कर दो, इंटरेस्ट 2110714 इंटू, बारो करना है अपने होम कंट्री के अंदर, बारो करना है होम कंट्री के अंदर, तो होम कंट्री में बोरिंग का रेट आपको दिया गया है, होम कंट्री में बोरिंग का रेट आपको दिया गया है, कितना रेट है होम कंट्री में बारो करने का, 14.25%। होम कंट्री में आपने बारो करने हैं, फॉरेन कंट्री में नहीं। सो होम कंट्री में बारो करना है तो 0.1425 इंटू 3/12 भी करेंगे, क्यों, वो तो पूरे साल का रेट था। अमाउंट बताइएगा ज़रा यहाँ से क्या निकली है, 75194। इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करें, ज़रा बताएं क्या बना, 2185908। ये क्या बने, पाउंड, पाउंड। द्वारा केस को देखिएगा ज़रा, कि हमने 4 मिलियन डॉलर की पेमेंट करनी थी 3 मंथ्स बाद, और अगर बैंक ने हमें फॉरवर्ड नहीं दिया तो हमने अपना फॉरवर्ड बनाया कैसे है,
हमने अपना फॉरवर्ड बनाया कैसे है कि अगर पेमेंट करनी है तो आज हम क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे, मीन फॉरेन करेंसी अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे इतने डॉलर के, 3 माह बाद वो उतने बन जाए जितनी हमने पेमेंट करनी है। तो हमने निकाले कैसे, 4 मिलियन, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली हमने डिपॉजिट रेट के अकॉर्डिंगली, क्यों हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट रेट हमने यूज़ किया और वो कितना था, 7%। फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट रेट हमने यूज़ किया और फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट रेट कितना था, 7%। ये बात समझ आती है, हम फॉरेन करेंसी में बारो करने नहीं जा रहे, डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो इसलिए फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट रेट लेंगे, होम करेंसी का डिपॉजिट रेट नहीं, क्यों हम डॉलर में डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो डॉलर का डिपॉजिट रेट लेंगे, क्या ख्याल है। और ये सालाना है तो हमने क्या किया, उसको x3/12 किया, तुम्हारे पास आगे डॉलर कि जितने आज हम डिपॉजिट करेंगे जो 3 मंथ्स बाद इंटरेस्ट के बाद कितने बन जाएंगे, 4 मिलियन, क्या ख्याल है। ये डॉलर हमने कहाँ से देने हैं, अपनी होम करेंसी से, तो इसको अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट किया, होम करेंसी में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट करना है सर, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, दोनों कैलकुलेशन कर लो, दोनों कैलकुलेशन कर लो। आपने क्या करना है, डॉलर बाय करके डिपॉजिट करनी है ना, तो पे मोर, बड़ी अमाउंट ले लेनी है, दोनों कैलकुलेशन करके पे मोर, बड़ी अमाउंट ले लेनी है। और ये क्या करना है आपने, ये पाउंड आपकी होम करेंसी आ गई, ये आपने होम करेंसी में क्या करना है, बारो करना है, तो बारो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो उसका इंटरेस्ट निकाल लिया, तो दोनों को ऐड किया, तुम्हारे पास क्या आ गया, एक कॉस्ट आ गई। अब देखिएगा लीड पेमेंट की जो कॉस्ट आ रही थी वो आ रही थी 2224161, फॉरवर्ड की कॉस्ट आ रही थी 2168, दोनों में से कौन सी चीपेस्ट है, फॉरवर्ड नज़र आ रही है, फॉरवर्ड नज़र आ रही है। अब ये 2168 को इससे कंपेयर करें तो ये है 2185, तो चीपेस्ट कौन सा है, फॉरवर्ड जो है वो क्या है, चीपेस्ट है। सो देयरफॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज चीपेस्ट। सो हमने फॉरवर्ड के थ्रू कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देख ली, स्पॉट रेट पे कैसे कैलकुलेशन करनी है वो देख ली, और क्या देख लिया हमने, मनी मार्केट हैज देख लिया, कब जब फॉरवर्ड ना हो तो अपना फॉरवर्ड बनाना कैसे। एक ब्रेक लेते हैं, एग्जैक्ट आफ्टर 15 मिनट्स हम आके दोबारा से चीज़ों को रेज्यूम करेंगे।
जी आगे मूव होते हैं। सो कैलकुलेशन हमने देख ली फॉरवर्ड की, कैसे कैलकुलेशन करनी है। सिंपली जो अमाउंट है उसको फॉरवर्ड का रेट जो है, फॉरवर्ड अब आपने देखना है 3 मंथ्स वाला है, 4 मंथ्स वाला है, 2 मंथ्स वाला है, 6 मंथ्स वाला है, तो ओबियसली वही आपके लिए फॉरवर्ड रेलिवेंट होगा जितने मंथ बाद आपने पेमेंट करनी है। रिसीट करनी है, क्या कह रहा है, रिसीव करना है फॉरेन करेंसी में, तो फिर आप क्या करोगे, 3 मंथ्स वाला फॉरवर्ड जो है वो रेट लेके उसी के साथ ही देखोगे मल्टीप्लाई होना है या फिर डिवाइड होना है, या दो रेट हैं दोनों पे कैलकुलेशन करके रिसीव लेस वाली अमाउंट ले लेनी है। ठीक हो गया। मनी मार्केट हेज की हमने बात की कि अगर फॉरेन करेंसी में हमें पेमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी एसेट आज क्रिएट करेंगे, मीन फॉरेन करेंसी में इतना पैसा डिपॉजिट करेंगे, क्यों, डिपॉजिट करने से एसेट क्रिएट होगा ना, क्या कह रहा है, इतना पैसा डिपॉजिट करेंगे कि 3 माह का इंटरेस्ट लगने के बाद वो उतनी अमाउंट बन जाए जो हमने पे करनी है, मीन प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे अपनी 3 माह बाद वाली फॉरेन करेंसी पेमेंट की। और कैसे निकालेंगे, फॉरेन करेंसी का जो डिपॉजिट रेट है उसको यूज़ करते हुए उस पैसे को कन्वर्ट करेंगे अपनी होम करेंसी में, क्यों, हमने वो पैसा ट्रांसफ़र करना है, डिपॉजिट करना है अपनी होम करेंसी से डॉलर बाय करके। हाँ, वो होम करेंसी कितनी बनेगी वो हमने कैलकुलेट करनी है, उसके बाद हमने क्या करना है, वो होम करेंसी कैसे हमने डिपॉजिट करनी है डॉलर में कन्वर्ट करके, वो बारो करनी है, तो दिस मीन उस पर इंटरेस्ट देना है, तो होम करेंसी इतनी बारो करेंगे, इतना उस पर इंटरेस्ट देंगे, तुम्हारे पास ये क्या बन जाएगी, कॉस्ट जो है वो हमारे पास नेट बन जाएगी, जो हमने क्या करना है, इतने पाउंड हमारी कॉस्ट आएगी किसकी, 3 माह बाद जो हमने $4 मिलियन पे करना थे उसकी। इसका हम रेट भी निकाल सकते हैं, इसका हम रेट भी निकाल सकते हैं, कैसे, जो करेंसी बेस थी उसको डिनोमिनेटर में रखोगे, क्या ख्याल है, और दूसरी करेंसी क्या हो जाएगी, नोमिनेटर आ जाएगी, तो बेस इसमें 1 जो है वो शायद पाउंड था, क्या ख्याल है, तो क्या करेंगे हम, 4 मिलियन था डॉलर अगेंस्ट कितने पाउंड बने, 2185908, तो यहाँ से एक रेट आ जाएगा आपके पास कितना, 1.8299, ये क्या आ गया, अफेक्टिव रेट आपको पड़ा इस ट्रांजैक्शन का, इस ट्रांजैक्शन का अफेक्टिव रेट आपको कितना पड़ा, 1.8299, मीन फॉरवर्ड अगर बैंक ने हमें नहीं दिया तो हमने अपना एक तरह का फॉरवर्ड बना लिया, मीन इस 3 माह की पेमेंट का हमें जो रेट पड़ा वो कितना पड़ा, 1.8299। अब इस तरह से अगर फॉरेन करेंसी में रिसीट हो इन फ्यूचर, फॉरेन करेंसी रिसीट हो इन फ्यूचर, तो हम क्या करेंगे, आज फॉरेन करेंसी एसेट नहीं, इसकी जगह पे क्या क्रिएट करेंगे, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। लाइबिलिटी क्रिएट करने का मतलब क्या है कि आज हम फॉरेन करेंसी में बारो करेंगे इतने डॉलर, बारो करेंगे इतने डॉलर के 3 माह का इंटरेस्ट के बाद वो बन जाए कितने, $4 मिलियन। तो क्या करेंगे, आज हम बारो करेंगे, बारो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिपॉजिट नहीं बारो करेंगे, और बारो करने के लिए हमें सिर्फ ये रेट जो है ये कौन सा यूज़ करना है, बारो वाला, डिपॉजिट वाला नहीं, किसका, फॉरेन करेंसी का, जो इस क्वेश्चन के अंदर 14.25% था, फॉरेन करेंसी का बारो करने का रेट नहीं, 10.75% था, फॉरेन करेंसी का बारो करने का रेट कितना था हमारे पास, 10.75%, चेक कर लें, 1 मंथ वाला नहीं, 3 मंथ्स वाला, क्यों, 3 मंथ्स पे हम जो है वो बारो करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसी तरह से 4 मिलियन डिवाइड बाय 1 प्लस 10.75% इंटू 3/12 करेंगे, तुम्हारे पास आ जाएंगे वो डॉलर जो आज हमें बारो करने हैं ताकि 3 माह का इंटरेस्ट लगने के बाद वो कितने बन जाएं, 4 मिलियन बन जाए, किस सूरत में, फॉरेन करेंसी रिसीट की सूरत में, या पेमेंट की सूरत में नहीं, रिसीव की सूरत में हम एसेट नहीं लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, मीन बारो करेंगे इतने डॉलर जो 3 माह इंटरेस्ट लगने के बाद क्या बन जाएं, $4 मिलियन बन जाए, तो बारो करना क्यों, वो बारो करके हम क्या करेंगे, अपनी होम करेंसी में से कन्वर्ट करेंगे,
बारो करके अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करते वक्त हम क्या करेंगे, डॉलर आएंगे तो होम करेंसी में डॉलर सेल करेंगे, डॉलर सेल करेंगे तो रिसीव लेस लेंगे, क्या कहलाए, और उसे फिर हम क्या करेंगे, होम करेंसी में आके डिपॉजिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने बारो किया था तो उसे हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करके और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाएंगे। और नॉर्मली आपकी होम करेंसी का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा होता है देन फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट, जिसका आपको फ़ायदा होगा कि आप होम करेंसी में लाके डिपॉजिट करोगे तो 11% उसके ऊपर कमाओगे। फॉरेन करेंसी में जो आपने बारो किया उसमें पे आप कितना कर रहे होगे, 10.75%। मनी मार्केट हेज के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए, इंटरेस्ट रेट है तो मनी मार्केट हेजिंग होगी, इंटरेस्ट रेट नहीं है क्वेश्चन में तो वहाँ पे मनी मार्केट हेजिंग नहीं होगी। पेमेंट की सूरत में आपको फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट रेट चाहिए, होम करेंसी का बारो रेट चाहिए। रसीद की सूरत में आपको फॉरेन करेंसी का बारो रेट और होम करेंसी का डिपॉजिट रेट चाहिए। ये रेट हैं तो मनी मार्केट हेजिंग होगी, वरना नहीं। और इसमें रेट्स ऑलवेज स्पॉट वाले यूज़ होते हैं, कभी भी इसमें फॉरवर्ड वाले रेट यूज़ नहीं होंगे। मनी मार्केट हेज में कौन से रेट यूज़ करोगे, स्पॉट वाले रेट, क्यों, आपने स्पॉट रेट पे ही कन्वर्ट करके फिर देखना है कि आइदर हमें यहाँ से बारो करना है पेमेंट की सूरत में एसेट क्रिएट करने के लिए, या फिर डिपॉजिट करना है यहाँ पे लाइबिलिटी जो ली है वो अमाउंट। इसके अंदर फॉरवर्ड रेट का कोई ताल्लुक नहीं है। मनी मार्केट हेज में क्या यूज़ होगा, स्पॉट रेट यूज़ होंगे, और दूसरा हमें इंटरेस्ट रेट चाहिए होम करेंसी के भी और फॉरेन करेंसी के भी। ये बात समझ आती है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे मूव होते हैं, कुछ फ्यूचर्स की बातें करते हैं। फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर्स क्या है, एक मार्केट है, फ्यूचर्स की एक सेपरेट मार्केट है जहाँ पे क्या हो रहा है, लोग जाते हैं और जाके कहते हैं कि ये चीज़ मैंने इतनी बाय की, कितने मंथ्स के लिए, आपको वहाँ पे कुछ फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, लाइक 6 मंथ्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है, 3 मंथ्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है, 2 मंथ्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है। आपने सपोज 3 मंथ्स वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या किया, बाय किया, तो आफ्टर 3 मंथ्स आपको क्या करना है, उसे सेल भी करना है। और बाय आपने किस रेट पे किया, सेल आपने किस रेट पे किया, इन दोनों रेट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, या तो गेन या फिर लॉस। गेन हुआ तो सपोज 1 लाख का गेन हुआ तो आप 1 लाख वहाँ से लेके आ जाओगे, और अगर सपोज 90,000 का लॉस हुआ तो आप 90,000 वहाँ पे करके आ जाओगे। एक्चुअल में आप जो है वो बाय ना कर रहे हो, ना एक्चुअली आप वहाँ पे सेल कर रहे हो, हवा में बाइंग हो रही है, हवा में सेलिंग हो रही है, और सिर्फ आप क्या कर रहे हो, गेन या लॉस में इंटरेस्टेड हो। किस लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए, किस लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए। क्या आज आपने बाय कर लिया जो आज फ्यूचर मार्केट का रेट था, और फ्यूचर में आपने क्या कर लिया, सेल कर लिया, तो आपको सपोज गेन हो गया। अब अगर जो आपकी एक्चुअल स्पॉट वाली बाइंग सेलिंग है उसमें अगर कोई लॉस होता है तो ये गेन उसको कवर कर देगा। अब फ्यूचर में हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करते वक्त हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारे पास जो हमारी हेज डेट है वो क्या है, कौन सी हेज डेट, और हमारी ट्रांजैक्शन डेट क्या है। क्या हमने देखना होता है, हेज डेट और ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट मीन 3 माह बाद जो आपने पेमेंट करनी थी, 3 माह बाद पेमेंट करनी थी, तो आज आप फ्यूचर मार्केट में बाय करोगे हेज डेट पे, और ट्रांजैक्शन डेट पे आप क्या करोगे, सेल करोगे। और बाय सेल दोनों काम करना पड़ेंगे, कोई एक काम आप फ्यूचर मार्केट में नहीं, दोनों करके आपकी जान छूटेगी, वरना ये मार्केट आपको बाय नहीं निकलने देगी। हाँ, इस मार्केट में अगर ब्रोकर को ख़तरा हो कि आप सिर्फ बाय करोगे बाद को सेल नहीं करोगे, अगर रेट आपकी मर्जी का ना हुआ, तो फिर आपसे कुछ मार्जिन एज ए सिक्योरिटी रखवाते हैं, कुछ मार्जिन एज ए सिक्योरिटी रखवाते हैं। वो मार्जिन हम क्या करेंगे, उधार लेके दे देंगे। एंड पे जो हमारे पास नेट एक्चुअल गेन या लॉस आएगा उसके साथ हम फिर क्या करेंगे, वो मार्जिन का उधार इंटरेस्ट जो है वो भी इनकॉर्पोरेट करेंगे।
ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर ये मार्जिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मार्जिन का मतलब क्या है, ब्रोकर आपसे जो एज ए सिक्योरिटी पैसे रखवाएगा जो बाद में वापस मिल जाएंगे, लेकिन अभी आपको रखवाना पड़ेंगे, रखवाने के लिए आपके पास पैसे है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, लोन लेके बारो करके वो रखवाओगे, तो उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट आप इनकॉर्पोरेट करोगे टोटल जो भी बेनिफिट होगा उसके साथ। क्या कहला है, फ्यूचर में पेमेंट करनी तो आज बाय करोगे, फ्यूचर में सेल करोगे, नहीं आपको फॉरेन करेंसी रिसीट है कोई तीन माह बाद, रिसीट है तीन माह बाद, रिसीट करने के बाद आपने क्या करना था, डॉलर सेल करके पैसे लेने थे ना, तो सूरत में स्ट्रैटजी आपकी क्या होगी, सेल नाउ बाय लेटर। मीन आपको पहले क्या करना है, आपको टाइम जो है वो डिफाइन करना है, हैज डेट क्या है, ट्रांजेक्शन डेट क्या है। नंबर टू आपको क्या करना है, अपनी हैज स्ट्रैटजी जो है वो डिफाइन करनी है, हैज स्ट्रैटजी डिफाइन करनी है कि आइदर बाय नाउ सेल लेटर है या फिर सेल नाउ बाय लेटर है। नंबर थ्री आपने क्या करना होता है कि फ्यूचर मार्केट में आप जब भी जाओगे तो एक एक आप करेंसी जो है वो बाय सेल नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे एक लॉट पूरी की पूरी जो है वो बाय करना होती है, सेल करना होती है। अब आपको देखना है कि आपको कितनी लॉट्स बाय या सेल करनी है, तो वो लॉट्स आपको निकालना पड़ेंगी, वो लॉट्स आपको निकालना पड़ेंगी। फ्यूचर मार्केट में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और डिफरेंट मंथ्स के मिलेंगे, लाइक जनवरी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ये रेट है, फरवरी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ये रेट है, मार्च के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ये रेट है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना होती है कि आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने देखना है कि अगर आपने पेमेंट जो है वो जनवरी में करनी थी तो आपको क्या देखना है, अगर जनवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आप चूज़ करोगे, अगर जनवरी वाला नहीं है तो उसके लेटेस्ट जो भी बाद में है वो कौन सा है, फरवरी वाला। अब आपको सपोज़ जनवरी में आपने पेमेंट करनी है और आपको तीन कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, एक जनवरी का, एक फरवरी का, एक मार्च का, तो आपके लिए रेलेवेंट कौन सा है, आपके लिए रेलेवेंट कौन सा है, जनवरी वाला। क्यों, ये जनवरी का मतलब क्या है, 31 जनवरी तक का ये कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, पेमेंट आपने जनवरी में करनी है और कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है एक मार्च वाला, एक जून वाला, तो आपके लिए रेलेवेंट कौन सा है, मार्च वाला, लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेट वाला। क्यों, बीच में जनवरी फरवरी वाला है ही नहीं, तो फिर लेटेस्ट कौन सा बनता है पीछे, मार्च वाला। तो आपने उसकी कैलकुलेशन, उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेशन में लेना है, जून वाले को इग्नोर कर देना। तो पहले आपने चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपना देखना है कौन सा है, फिर आपने क्या करना है जी, आपने निकालने होते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइज उसने बताया होता है, और आपने अपनी अमाउंट के अकॉर्डिंगली देखना है कि हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय करने। सपोज 8 कॉन्ट्रैक्ट हमें बाय करने हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज 1 लाख है, तो क्या करेंगे, 1 लाख इंटू 8 कॉन्ट्रैक्ट इंटू हम रेट अप्लाई करेंगे। सो पहले हमने हैज डेट, ट्रांजेक्शन डेट देखनी है क्या है, फिर हमने अपनी हैज स्ट्रैटजी देखनी है कि बाय नाउ सेल लेटर है पेमेंट की सूरत में, रिसीट की सूरत में, सेल नाउ बाय लेटर, और दोनों काम करने हैं। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको देखना है कि कौन सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको चूज करना है, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने हैं। नंबर फोर आपको क्या करना है, नंबर फोर आपको निकालना होता है गेन या लॉस ऑन फ्यूचर, गेन या लॉस ऑन फ्यूचर। मीन बाय आप करोगे तो कितनी अमाउंट पे करोगे, सेल करोगे तो कितनी अमाउंट पे करोगे, तो आपके पास गेन या लॉस आ जाएगा। सेल नाउ बाय लेटर है तो पहले आप सेल कितनी अमाउंट पे करोगे, फिर बाय 3 माह बाद कितनी अमाउंट पे करोगे, तो गेन या लॉस आ जाएगा ऑन फ्यूचर। उसके बाद आपको निकालना होता है गेन या लॉस ऑन स्पॉट, गेन या लॉस ऑन स्पॉट। मीन फ्यूचर मार्केट तो हवा में गेन लॉस हो रहा है ना, एक्चुअली जो आपको रेट चेंज होने की वजह से गेन लॉस हुआ तो वो आप निकालोगे। उसके बाद आप क्या करोगे जी, नंबर 6 पे आपको निकालना होती है नेट जो भी आपकी कॉस्ट बनी है, नंबर 6 नेट कॉस्ट पेमेंट की सूरत में, वो हम निकालेंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश वाली आइटम्स लेंगे, एक्चुअली जो आपने बाय किए डॉलर कितने के बाय किए, और आप जो फ्यूचर मार्केट से गेन या लॉस लेके निकले वो कितनी अमाउंट थी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। साथ अगर आपने कोई मार्जिन था तो इसका इंटरेस्ट क्या कर देंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे, वो भी ऐड करेंगे, वो भी ऐड करेंगे, क्योंकि वो भी कॉस्ट है। सो क्या करना है जी, पहले आपको देखना है कि आपकी हैज डेट क्या है, ट्रांजैक्शन डेट क्या है,
ये डिफाइन करना ज़रूरी है, क्यों? फिर आपको पता चलेगा आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन सा चूज़ करना है। स्ट्रैटजी डिफाइन करनी है, बाय नाउ सेल लेटर है या सेल नाउ बाय लेटर है। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन कौन सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना है। नंबर ऑफ लॉट्स कॉन्ट्रैक्ट्स आपने देखने हैं कितनी बनेगी आपकी। गेन लॉस ऑन फ्यूचर निकालेंगे, गेन लॉस ऑन स्पॉट निकालेंगे और उसके बाद नेट कॉस्ट निकालेंगे, बस इतना काम करना है हमें। हाँ, एक क्वेश्चन में मिलेगा। रिक्वायर्ड मीट को देखा जाए तो कंप्यूट गेन और लॉस ऑन हेज एंड हेज आउटकम इफ फॉलोइंग डेटा एग्जिस्ट ऑन 10th January 2022। स्पॉट रेट $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज एंड फ्यूचर दिसंबर रेट जो है वो रुपीज 40 पर रियाल है। जनवरी फ्यूचर का रेट जो है वो 40.8 पर रियाल है और फेब्रुअरी फ्यूचर का रेट 50.1 पर रियाल है। किस डेट को? 10th ऑफ जनवरी को ये रेट हैं फ्यूचर के और स्पॉट। अब हमें देखना है 10th ऑफ जनवरी हमारी हेज रेट है या फिर ट्रांजैक्शन डेट है। हेज डेट मीन आज, ट्रांजैक्शन डेट मीन जब आपने पेमेंट करनी थी या जब आपने अमाउंट रिसीव करनी थी। सो मिस्टर एक्स एक्सपेक्ट टू रिसीव 9380 रियाल फ्रॉम एक्सपोर्ट कस्टमर एआरटी लिमिटेड ऑन 10th January 2022। तो 10th January को आपने इतनी अमाउंट रिसीव करनी है, पे नहीं करनी, क्या करनी है? रिसीव करनी है। रिसीव करनी है तो रिसीव करके आपको क्या करना होता है? फॉरेन करेंसी अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना होती है ना, क्या ख्याल है? तो उसके लिए आप फॉरेन करेंसी को सेल करते हो या बाय करते हो? सेल करते हो, क्या ख्याल है? दिस मीन इसमें अगर फ्यूचर होगा तुम्हारी स्ट्रैटजी क्या बनेगी? सेल नाउ बाय लेटर। अगर पेमेंट होती तो पेमेंट के लिए आपने क्या करना होता है? डॉलर बाय करके पेमेंट करना, फिर स्ट्रैटजी क्या बनेगी? बाय नाउ सेल लेटर। मीन स्टार्ट पॉइंट जो है वो यहाँ से पता करेगा, पेमेंट है तो बाय पहले सेल बाद में, रिसीट है तो मेन काम क्या है आपने लेके सेल करने है मार्केट में अपनी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, क्या ख्याल है? तो क्या करोगे? सेल करोगे। लेकिन फ्यूचर में सिर्फ सेल नहीं, आपको बाद में क्या करना पड़ेगा? बाय भी करना पड़ेगा। ये बात समझ आती है? बाय नाउ सेल लेटर, ये सेल नाउ बाय लेटर कैसे चलेगा? पेमेंट है तो डॉलर बाय करके पेमेंट करनी है ना, तो आपका स्टार्ट क्या होगा? बाय। लेकिन फ्यूचर में आपको बाय के साथ सेल भी करना पड़ेगा, तो मेन बाय है लेकिन सेल लेटर भी है। रिसीट है तो आपने क्या करना है? सेल, तो सेल नाउ, बाद में क्या करना है? बाय भी करना है। क्योंकि फ्यूचर में कोई एक काम नहीं, दोनों काम आपको करना पड़ेंगे गेन लॉस लेने के लिए। ट्रांजेक्शन कंप्लीट ही तब होगी जब बाय और सेल दोनों करोगे या सेल और बाय दोनों करोगे। ठीक हो गया? और यहाँ पे क्या हो रहा है? सब कुछ हवा में हो रहा है, इसलिए आप कहोगे जी हवा में ही मैंने इतने डॉलर सेल किए। लेकिन सिर्फ सेल नहीं, आपको बाद में बाय भी करने हैं, क्या कहला है? तो बाद में क्या कहोगे? मैंने इतने डॉलर बाय किए। अब वो सेल वाला रेट, बाय वाला रेट, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका गेन या लॉस बन जाएगा। और इस मार्केट से सिर्फ आपको या तो गेन मिलता है या लॉस की सूरत में आप पेमेंट करते हो। एक्चुअल ना तो आपने कोई चीज़ लेके गए थे जो सेल की है, ना ही बाय करके वहाँ से एक्चुअल कोई पॉकेट में चीज़ लेके आए हो, क्या कहला? कोई चीज़ उठा के ना तो ले गए हो, ना ही उठा के लेके आए हो, बस जाके ब्रोकर को आपने कहा भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पे और ये देखो मैं इतनी ये डॉलर सेल करता हूँ, ये देखो मैं इतने डॉलर सेल करता हूँ हवा में, इतने डॉलर बाय करता हूँ हवा में, तो बाय सेल ट्रांजेक्शन के बीच में गेन या लॉस होगा जी। सो क्या है हमारे पास? 10th of January को हमने पेमेंट करनी है 9380 रियाल की, एज्यूमिंग टुडे इज 10th November 2021। आज डेट क्या है? 10 नवंबर। तो आपकी हेज डेट क्या बनेगी? आज की डेट। और ट्रांजेक्शन डेट क्या बनेगी? जब आपने पेमेंट करनी है या रिसीव करना है तो 10th January आपकी क्या बन गई? ट्रांजेक्शन डेट। बीच में टाइम पीरियड कितना बन गया? नवंबर से 1 दिसंबर और दूसरा क्या बन गया? जनवरी। ठीक हो गया? मीन 2 माह बाद आपको इतनी रिसीट लेनी है, कितनी? 9380 रियाल की। एंड स्पॉट रेट इज 1 रियाल इज इक्वल टू 45 रुपीज। डायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है? डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है? डायरेक्ट कोट है, क्यों? फॉरेन करेंसी बेस 1 है,
इनडायरेक्ट कोट में होम करेंसी वन होती है, दिस मीन मल्टीप्लाई का केस है, दिस मीन मल्टीप्लाई का केस है, पे मोर रिसीव लेस। मल्टीप्लाई करते वक्त पे मोर बड़ी अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा, रिसीव करते वक्त छोटी अमाउंट से मल्टीप्लाई करके रिसीव लेस होगा। ज़्यादा पंगा हो, दो रेट दिए हो, दोनों के साथ कैलकुलेशन करो, और इसमें रिसीट हो रही है तो छोटी अमाउंट ले लेंगे। क्या कह रहा है? फ्यूचर्स आर अवेलेबल इन लॉट्स ऑफ 300 ईच एज पर फॉलिंग मीन। एक लॉट कितने की है? 300 की। एक लॉट कितने की है? 300 रियाल की। तो आपको कितनी लॉट्स लेना पड़ेंगी 9380 रियाल के लिए? तो क्या करना पड़ेगा हमें? 9380 डिवाइडेड बाय 300 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? कितना? 32। तो हमने इसको ऑलवेज जो है वो होल नंबर में सम अप करना है। अगर 0.5 से छोटा हो तो 31, 0.5 इससे बड़ा जाए तो फिर आपने 32 ले लेना। ठीक हो गया? तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ से? 31 मीन लॉट्स हम बाय करेंगे। एक लॉट कितने की होगी? 300 की। क्या ख्याल है? उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने में सैलियाँ बाइंग होगी। सो फ्यूचर मैच्योरिंग ऑन 31st December 2021, उसका रेट जो है वो 10th नवंबर को ये है। मीन आप जो फ्यूचर लेने जा रहे हो आज, तो आपको तीन तरह के फ्यूचर मार्केट में मिले भाई। 31 दिसंबर वाला फ्यूचर आपने लेना है तो उसका रेट आज ये है, 31 जनवरी वाला आपने फ्यूचर लेना है तो उसका रेट ये है, 29th फरवरी वाला अगर आपने फ्यूचर लेना है तो उसका रेट ये है। मीन ये फ्यूचर जो आज लोगे, पहला मैच्योर होगा दिसंबर एंड पे, दूसरा जनवरी एंड पे, और तीसरा फरवरी एंड पे। अब आपको देखना आपको कौन सा चाहिए। आपको पेमेंट करनी है कब? 10 जनवरी को। तो लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेट जनवरी वाला हम चूज़ करेंगे, बाकी दो के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इग्नोर कर दो। ये बात समझ आती है? हाँ, ये रेट आज हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के। दिसंबर वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का रेट ये है, जनवरी वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का रेट ये है, फरवरी वाले का ये रेट है, ये आज के रेट हैं। ऊपर डेट दी गई है 10th नवंबर, मीन हैज डेट पे ये रेट हैं। मीन आज आपने सेल करना है तो इस रेट पे सेल करोगे, आज आपने बाय करना है तो इस रेट पे बाय करोगे। क्या ख्याल है? और मेरे ख्याल में आपने रिसीट है तो आज आपको सेल करना है इस रेट पे, तो बाय करना है वो उस डेट का हमें रेट चाहिए। क्या ख्याल है? तो भी क्वेश्चन में गिवन होगा जी। उसके बाद उसने क्या कह दिया जी? कंप्यूट गेन लॉस ऑन हेजिंग एंड हेज आउटकम इफ फॉलोइंग डाटा एग्जिस्ट ऑन 10th जनवरी, मीन ट्रांजैक्शन डेट पे रेट अगर स्पॉट ये हो और फ्यूचर दिसंबर जनवरी फरवरी वाले का रेट ये हो, तो आपको कौन सा चाहिए? जनवरी वाले का दिसंबर वाला काट दो, फरवरी वाला काट दो, पीछे आपको जनवरी वाला ये चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे? सबसे पहले आपने हेज डेट डिफाइन की। हेज डेट क्या थी सर हमारे पास? हेज डेट क्या थी? 10th नवंबर। और ट्रांजैक्शन डेट क्या है? ट्रांजैक्शन डेट क्या है? 10th जनवरी। आपकी स्ट्रैटजी क्या है? पेमेंट है या रिसीट है? रिसीट है, तो रिसीट की सूरत में क्या करोगे आप? सेल नाउ बाय लेटर, सेल नाउ बाय लेटर, इस ये लिख लेना है पेपर पे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। क्यों? इससे दिमाग जो है वो आपका फोकस हो गया कि आप करने क्या जा रहे हो। ये नहीं लिखोगे तो कन्फ्यूजन ही रहेगी करना क्या है, इसलिए लिख लेना है। उसके बाद आप आगे जी, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया? दिसंबर वाला, जनवरी वाला, फरवरी वाला? जनवरी वाला ये भी लिख लो ताकि बाकी जो है उनको इग्नोर करना है, मगर आपने काटे नहीं तो। क्या कह रहा? उसके बाद आ जाना है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमने निकाले कैसे? 9380 आपने पे करना है, और एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 300 का। तो कितने आपने कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिए थे? 31.2 आया ना। क्या कह रहे? तो आपने कितने निकाल लिए? 31 होल नंबर, ऑलवेज होल नंबर। अब आगे हम किस तरफ? गेन लॉस ऑन फ्यूचर हमने निकालना है, गेन लॉस ऑन फ्यूचर हमने निकालना है। तो आपकी स्ट्रैटजी क्या है? सेल नाउ बाय लेटर।
सेल नाउ बाय लेटर, क्या कह रहा है? तो सेल आप करोगे क्या, 300 एक कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, 31। रेट आपका सेल किस रेट पे करोगे, तो सेल का रेट आपको दिया गया है, आज हैज डेट पे सेल करोगे ना, ट्रांजेक्शन डेट पे बाय करोगे, तो आज हैज डेट पे रेट क्या है, 45.5 से मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट बता दो मुझे प्लीज़, 4,23,150। सेल करने के बाद क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, ये फिगर पॉजिटिव होगी, ये फिगर पॉजिटिव होगी। अब आपने क्या करना है जी, बाय करना है क्या, 300 कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 31 कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट 300 का, और अब आपने बाय कहाँ पे करना है, ट्रांजैक्शन डेट पे, और ट्रांजैक्शन डेट का रेट क्या आपके पास, 40.8। तो प्लीज़ मुझे ज़रा वैल्यू बताइएगा कितनी है, 379,440। तो ये आपकी जो है वो आउटफ्लो है, वो आपका इनफ्लो है, तो यहाँ से क्या गेन निकलेगा या लॉस निकलेगा? गेन निकला कितने का, 43710। क्या कह रहा है, मीन फ्यूचर मार्केट में आप एंटर हुए तो 43710 का आप कैश लेके निकलोगे। हाँ, अब आगे गेन लॉस ऑन स्पॉट की तरफ, गेन लॉस ऑन स्पॉट की तरफ, एक्चुअली जो आप सेल करोगे, एक्चुअली जो आप सेल करोगे कब करोगे, आज या 3 माह बाद? 3 माह बाद जब पैसे मिलने हैं, 3 माह बाद जब पैसे मिलने हैं, तो 3 माह बाद का जो स्पॉट रेट है उस पर आप सेल करोगे ना, और 3 माह बाद का स्पॉट रेट क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कितना, 40। दो होते तो कम क्या करते, दोनों पे कैलकुलेशन करते, छोटी अमाउंट ले लेते, रिसीव लेस। क्या ख्याल है, इधर रेट ये क्या, तो 40 पे आप क्या करोगे, एक्चुअली सेल करोगे, एक्चुअली आप सेल करोगे, क्या सेल करोगे, रियाल जो आपको मिलने थे 3 माह बाद, कितने रियाल थे, 9380, कितने पे, 40 पे, तो अमाउंट क्या बनी, 375200। अब क्या करोगे आप, कुड सेल मीन उस वक़्त आप कितने के सेल कर सकते थे 3 माह पहले जो रेट था, तो 9380, तो 3 माह पहले जो रेट था, 3 माह पहले स्पॉट का रेट क्या था, 45। 3 माह पहले रेट क्या था, 45। अब कितना हुआ, 40। तो एक्चुअली आपका नुकसान हुआ देखा जाए तो, क्या ख्याल है, इसकी अमाउंट बताइएगा कितनी, 422100। तो यहाँ से आपका लॉस हुआ एक्चुअली, क्या ख्याल है, लॉस हुआ। हाँ, रेट कम होने की वजह से आपका लॉस हुआ कितना, 46900। तो इतना आपका स्पॉट पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और फ्यूचर का जो गेन था 43710 उसने शायद आपका थोड़ा सा लॉस कम कर दिया। मीन फ्यूचर मार्केट में एंटर होने से क्या हुआ, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेज हो गया, और होता ऐसे ही है, फ्यूचर में अगर गेन हुआ है तो यहाँ पे लॉस होगा, फ्यूचर में लॉस हुआ तो स्पॉट पे आपको गेन हो रहा होगा, मीन ये उसको बेसिकली कवर करने के लिए। अब हमें क्या करना है जी, नेट कॉस्ट निकालनी है। नेट कॉस्ट निकालने के लिए आपने क्या करना है जी, एक्चुअल जो रिसीट है आपकी कैश वाली, वो कौन सी थी, जो एक्चुअल आपने सेल किया कितना, 375200, और कैश ट्रांजैक्शन क्या है आपकी, जो गेन लॉस आपका फ्यूचर मार्केट से आप ले के निकले, तो वो क्या है, गेन ऑन फ्यूचर, क्या कह रहा है, वो कितना है, 43710। हाँ, तो एक्चुअली आपको जो है वो रिसीट हुई कितनी, एक्चुअली रिसीट हुई कितनी कैलकुलेट कर देंगे ज़रा, 418910। ये क्या है आपकी, नेट रिसीट है।
तीन माह बाद जो आपको 9380 रियाल मिलने थे, उसका आपको फ्यूचर मार्केट में एंटर होने से, गेन लॉस से और एक्चुअल के साथ नेट जो आपको रिसीव हुआ कितना, 418910 रुपीस। क्या ख्याल है? इसको अगर आप डिवाइड कर दो, बेस रियाल कितनी थी 9380, तो आपके पास एक इफेक्टिव रेट भी आ जाएगा। वो क्या बनता है? 44.66 मीन देखा जाए तो आपको 44.66 में ये रिसीट हुई है, 44.66 में ये रिसीट हुई है। जब स्टार्ट था उस वक्त 45 रेट चल रहा था, अब रेट कितना चल रहा है, 40.8। तो अगर आप फ्यूचर में ना जाते तो आपको 40.8 पे बेचना थे। एक्चुअली जो फ्यूचर में एंटर होने से आपको जो रेट मिला है वो कितना पड़ा है आपको रेट, वो पड़ा है कितना, 44.66। फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? फ़ायदा हो गया। क्या कह रहा है? ये बात समझ आती है? मीन फ्यूचर में एंटर होने से क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेज हो गया, हवा में ही बाय सेल करके वहाँ से जो गेन लॉस हुआ वो हमारी एक्चुअल के साथ जब एडजस्ट हुआ तो हमारा फ़ायदा हो गया जी। तो फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टाइम देखना है, हेज डेट क्या है और ट्रांजैक्शन डेट क्या है, ये प्लीज़ लिखनी है आपको आंसर के अंदर, लिखनी है। उसके बाद आपको हेज स्ट्रैटजी अपनी आंसर के अंदर लिखनी है, बाय नाउ सेल लेटर है या सेल नाउ बाय लेटर है। उसके बाद आपको देखना है जी चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको कौन सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेट, लेटेस्ट आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेट। क्या कह रहा है? और उसके बाद आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं, कितने डॉलर पेमेंट या रिसीट है और आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट में कितनी लॉट्स हैं, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकला है, ऑलवेज होल नंबर में सम अप करना है, 0.5 से बिलो हो तो नीचे ले आना है, ऊपर हो तो ऊपर ले जाना है। उसके बाद गेन लॉस ऑन फ्यूचर आपने निकालना है, सेल नाउ बाय लेटर है तो पहले सेल फिर बाय, बीच में देखोगे डिफरेंस गेन या लॉस होगा, सेल वाली अमाउंट पॉजिटिव होगी, बाय वाली अमाउंट नेगेटिव होगी। क्या ख्याल है? तो पता चल जाएगा इधर गेन है या लॉस है, मीन अगर नेगेटिव आई तो लॉस है, पॉजिटिव आ गई तो गेन है। उसके बाद गेन या लॉस ऑन स्पॉट आपने देखना है कि एक्चुअली जो आपने सेल करना है फ्यूचर को छोड़ के 3 माह बाद, तो 3 माह बाद किस रेट पे सेल करना है वो अमाउंट निकाली। क्या ख्याल है? उस वक़्त स्टार्ट में क्या रेट चल रहा था उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट निकाली। मीन ये बेसिकली क्या है कि एक्चुअली आपने सेल इतने का किया, उस वक़्त रेट ये था, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्पॉट के ऊपर हमारा गेन या लॉस हुआ है कितना हुआ है इन दो रेट की वजह से। क्या कह रहा है? एक्चुअली तो आपने यही काम करना है ना, फ्यूचर में ना गए होते, फ्यूचर में ना गए होते तो इतना लॉस आपको होना था, लेकिन फ्यूचर में एंटर होने से ये लॉस इतने गेन से कवर हो गया। क्या कहला है? फ्यूचर में एंटर होने से ये लॉस आपका इतने गेन से कम हो गया। फ्यूचर में ना जाते तो आपका ये 46,900 पूरा लॉस आपको बेयर करना था, लेकिन फ्यूचर से ये लॉस कम हो गया। उसके बाद हमने निकाल लीजिए नेट रिसीट हमारी हुई कितनी है, तो कैश वाली ट्रांजेक्शन एक्चुअली जो सेल किया वो, और जो फ्यूचर मार्केट से गेन या लॉस आप लेके निकले वो, ये गेन लॉस हुआ तो नहीं ना। क्या कहला है? हुआ तो नहीं, इसको तो कवर कर लिया गया ना। तो एक्चुअली कैश आपका इतना आपने एक्चुअली सेल किया और इतना गेन लॉस लिया, तो ये आपकी नेट रिसीट है, डिवाइडेड बाय आपने क्या किया वो जो अमाउंट रिसीव करनी थी फॉरेन करेंसी में, तो आपके पास अफेक्टिव रेट आ गया। ये बात समझ आती है? अगर फ्यूचर में कोई पेमेंट होती फिर क्या करते हम, हैज डेट ट्रांजेक्शन डेट, हैज स्ट्रैटी बाय नाउ सेल लेटर, बाय नाउ सेल लेटर, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कह रहा है? उसके बाद गेन लॉस ऑन फ्यूचर निकालते बाय, फिर सेल, फिर गेन लॉस ऑन स्पॉट निकालते कि एक्चुअली बाइंग आपने की कितने पे, 3 माह बाद वाला रेट स्पॉट का, और उस वक्त का जो रेट था मीन कुड हैव बॉट, तो गेन लॉस ऑन स्पॉट निकल आएगा। तो नेट हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट, इस सूरत में कॉस्ट नहीं थी, इधर क्या थी, हमने क्या निकाली है, नेट रसीट निकाली है। तो बाय की सूरत में कॉस्ट आनी थी,
क्या एक्चुअली बाइंग जो आपने की स्पॉट पे, और साथ गेन या लॉस ऑन फ्यूचर दोनों कैश ट्रांजेक्शन, तो आपके पास क्या आ जानी थी, नेट कॉस्ट आ जानी थी। क्लियर होती बात? फ्यूचर, टाइम, हेज स्ट्रैटजी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गेन लॉस ऑन फ्यूचर, गेन लॉस ऑन स्पॉट, और उसके बाद नेट रिसीट या नेट कॉस्ट निकालनी कैश वाली ट्रांजेक्शन के थ्रू। रेट निकालना है तो वो भी निकल आएगा, बस देखना है बेस में किसको रखना है, उस पर डिवाइड करना है। जी ये तो हो गया फ्यूचर। अब ज़रा रिक्वायरमेंट को देखें, क्या क्लियर होगी? कंप्यूट गेन लॉस ऑन हैजिंग, गेन लॉस निकल आया हैजिंग का, मीन फ्यूचर का, एंड हैज आउटकम इफ फॉलोइंग डेटा एग्जिस्ट। हैज आउटकम क्या था? मीन नेट जो रिसीट आपको हुई है, किस रेट पे हुई है, वो भी आपने बता दिया। हाँ, अब चलते हैं हमारा जो चौथा इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्शंस। ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या? जिस तरह फ्यूचर की मार्केट है, इस तरह ऑप्शंस की भी एक मार्केट है। जिस तरह हम फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, ऑप्शंस के भी कॉन्ट्रैक्ट्स बाय या सेल हुए होते हैं, कैसे, हवा में। लेकिन फ्यूचर में आपको दोनों काम करने हैं, बाय किया तो सेल भी करना है, सेल किया तो बाय भी करना है। ऑप्शंस में दोनों काम करना ज़रूरी नहीं है। आपको अगर गेन नज़र आता है तो आप दोनों काम करोगे, अगर लॉस नज़र आ रहा है तो आप दूसरा काम छोड़ दोगे, नहीं करोगे। मीन ये क्या है? ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है। क्या है? राइट है, नॉट ऑब्लिगेशन। मीन आपके ऊपर इम्पोज नहीं है कि आपने दोनों काम करने हैं। लाइक फॉरवर्ड ऑब्लिगेशन है, बैंक ने आपसे एग्री किया, भाई मैं तुझे तीनवां बार डॉलर जो है वो 185 का दूंगा, तीनवां बाद आपको डॉलर बाय करने हैं चाहे रेट जो मर्जी हो, बैंक को डॉलर सेल करने हैं रेट चाहे जो मर्जी हो। ऑप्शन में क्या है? राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। तीनवां बाद आप देखोगे डॉलर का रेट ज़्यादा है तो आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, मीन एग्जीक्यूट करोगे, मीन डॉलर बाय करोगे बैंक से, और अगर रेट आपको कम नज़र आ रहा है तो आप छोड़ भी सकते हो, बैंक आपके पीछे नहीं आ सकता, बैंक आपके पीछे नहीं आ सकता, बैंक आपको तंग नहीं कर सकता। राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं। क्या कह रहा है? फ्यूचर मार्केट में एंटर होते हो दोनों काम करना पड़ेंगे, बाय भी सेल भी, इधर नहीं, जरूरी नहीं है दोनों काम करना पड़ेगा। अब आपने सपोज फ्यूचर करेंसी में कोई पेमेंट करनी है तो कैसे करनी है? फ्यूचर करेंसी में पेमेंट हमने बाय करनी है फ्यूचर करेंसी, क्या कहला है? तो देखिएगा जरा, पेमेंट की सूरत में आपको क्या करना है? बाय करनी है, और जब बाय करनी है तो उस सूरत में ऑप्शन का नाम है क्या? कॉल ऑप्शन। ऑप्शन मार्केट में आप आज गए जी, इतनी ऑप्शंस कॉल, हाँ भे हवा में कॉल, बाय कर ली मैंने, इतने डॉलर बाय कर लिया आज, किस रेट पे? जो मार्केट से रेट मिला उस पे। वो जो मार्केट से रेट मिला, जो ब्रोकर ने आपको रेट दिया, उसे नाम दिया जाता है स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस। जो ब्रोकर ने आपको रेट दिया, मीन जो प्राइस दी डॉलर की, वो क्या है? एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस। मार्केट में प्राइस क्या चल रही है? जितनी भी चल रही है, क्या ख्याल है? तीनवां बाद आपने पेमेंट करनी थी। अब तीनवां बाद आप देखोगे कि अगर तो फायदा हो रहा है इस मार्केट से, तो फिर आप क्या करोगे? पुट ऑप्शन। नहीं फायदा हो रहा तो बस छोड़ दी, मार्केट से जाके बाय करेंगे। तो क्या किया आज हमने? कॉल की ऑप्शन। कहाँ पे? ऑप्शंस मार्केट में जाके कि तीन माह बाद मुझे जो है वो इतने डॉलर जो है वो बाय करने हैं, कॉल ऑप्शन। तीन माह बाद देखोगे अगर तो वो प्राइस जो स्ट्राइक आपको मिली थी उससे मार्केट में प्राइस ज़्यादा चल रही है, तो आप वो जो प्राइस मिली थी उस पर क्या करोगे? बाय करोगे, मीन अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे। और अगर मार्केट में रेट कम चल रहा है तो फिर आप बाय नहीं करोगे, ऑप्शन मार्केट से बाय नहीं करोगे। कहाँ से बाय करोगे?
एक्चुअल जो रेट चल रहा है स्पॉट मार्केट से बाय करोगे। मीन इधर दोनों काम होना ज़रूरी नहीं है, एक काम आप करके छोड़ भी सकते हो। मीन आज आपने कॉल की है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्यूचर में इसे दोबारा जो है वो एक्सरसाइज भी करना है, ज़रूरी नहीं है, छोड़ भी सकते हो। अगर गेन हो रहा है तो एक्सरसाइज करोगे ऑप्शन को, गेन नहीं हो रहा तो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे। और वो ऑप्शन जिसमें गेन होता है उसे नाम दिया जाता है इन द मनी ऑप्शन, जिसमें फ्यूचर में लॉस हो रहा था उसे क्या नाम दिया जाता है आउट द मनी ऑप्शन। मीन ब्रोकर आपको जो है वो एक रेट देगा, ब्रोकर आपको एक रेट देगा, एक प्राइस देगा, जिसे क्या नाम दिया जाता है स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस। फ्यूचर में आप देखोगे 2-3 माह बाद अगर तो मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है तो फिर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, मीन उस रेट पे ले लोगे, और अगर कम है तो फिर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, मीन छोड़ दोगे। मीन यहाँ पे बाय सेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इधर या तो कॉल ऑप्शन है या फिर पुट ऑप्शन है। पेमेंट करनी है आपने तो कॉल ऑप्शन है, और अगर आपने फ्यूचर में कोई रिसीट लेनी है, फ्यूचर में कोई रिसीट है तो सूरत में आपने क्या करना है, रिसीव करके सेल करने थे ना, तो सूरत में क्या होगी पुट ऑप्शन। और ऑप्शन मार्केट में आप जाके कॉल ऑप्शन का या पुट ऑप्शन का रेट लोगे, पेमेंट की सूरत में कॉल ऑप्शन का रेट लोगे, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक रेट, एक्सरसाइज प्राइस क्या कहला है, और 3 माह बाद देखोगे मार्केट रेट क्या है। अगर तो वो ज़्यादा है तो आप स्ट्राइक प्राइस पे बाय कर लोगे, एक्सरसाइज करोगे ऑप्शन को, और अगर 3 माह बाद मार्केट रेट कम है तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। क्यों? आपके पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। गेन होगा तो होगा, लॉस इसमें नहीं होगा। मीन ऑप्शन मार्केट में लॉस नहीं होगा, ये इसका फ़ायदा है। फॉरवर्ड पे लॉस भी हो सकता है, बैंक ने जो रेट एग्री किया फ्यूचर में रेट उसे कम भी हो सकता है। फ्यूचर में बाय सेल दोनों करने हैं तो लॉस भी हो सकता है, ऑप्शन के अंदर लॉस नहीं होगा। क्यों? लॉस की सूरत में आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे ही नहीं, सिर्फ गेन वाली ऑप्शन को आप एक्सरसाइज करोगे, सिर्फ गेन वाली ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे। अब इसमें हमें कैसे चलना है, इसमें भी हम क्या करेंगे जी, नंबर वन हम जो है वो अपनी हेज डेट और ट्रांजैक्शन डेट जो है वो डिफाइन क्या करेंगे, हेज डेट ट्रांजैक्शन डेट डिफाइन क्या करेंगे। उसके बाद नंबर टू हम क्या क्या करेंगे जी, अपनी हेज स्ट्रैटजी डिफाइन क्या करेंगे, और हेज स्ट्रैटजी या तो कॉल ऑप्शन होगी या फिर पुट ऑप्शन होगी, दोनों नहीं, या कॉल ऑप्शन होगी या फिर पुट ऑप्शन होगी। नंबर थ्री हम क्या क्या करेंगे जी, इसमें चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एक तीसरी चीज भी इसमें आती है जिसे नाम दिया जाता है चॉइस ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, चॉइस ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। मीन आपको एक्सरसाइज प्राइस काफी ज्यादा दी जाती हैं तो आपको उसमें से समटाइम चूज करना होता है कौन सी एक्सरसाइज प्राइस पे आपको ऑप्शन जो है वो कॉल या पुट करनी है। नंबर थ्री हम क्या क्या करेंगे जी, इसमें निकाला करेंगे नंबर फोर गेन और लॉस ऑन ऑप्शन इफ एनी, अगर है तो, लॉस तो ऑब्वियसली नहीं होगा, सिंपली आप क्या करोगे गेन ही यहां पे कैलकुलेट किया करोगे, अगर है तो। लॉस इस सूरत में कभी भी नहीं होगा, गेन ऑन ऑप्शन इफ एनी। गेन कैसे निकालोगे, एक्सरसाइज प्राइस जो ब्रोकर ने आपको दी और मार्केट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, गेन। एक्सरसाइज प्राइस से मार्केट प्राइस ज़्यादा है, ब्रोकर ने आपको कहा 185 का आपको डॉलर दूंगा, 3 माह बाद डॉलर 200 का है तो मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो आपका गेन हुआ तो गेन निकाला करेंगे, लॉस होगा तो वो नहीं, क्यों, वो तो ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं होनी। उसके बाद हम क्या क्या करेंगे जी, नंबर फाइव पे अपनी जो है वो नेट कॉस्ट जो है वो देखा करेंगे कितनी बनी, या नेट रिसीट जो है वो कितनी बनी। तो पहले टाइम डिफाइन करेंगे, हेज स्ट्रैटजी डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चॉइस ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, उसके बाद गेन ऑन ऑप्शन इफ एनी, और नेट कॉस्ट या रिसीट। और अगर हम आए एक क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड डिटरमाइन हैज सेटअप, हैज सेटअप आपको डिटरमाइन करना है, हैज सेटअप मीन
कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है और स्ट्राइक प्राइस कौन सी है। एंड कंप्यूट हैज आउटकम वेयर एक्चुअल स्पॉट रेट इज 161 और हैज आउटकम आपने निकालना है अगर एक्चुअल स्पॉट रेट जो है वो 161 हो, नहीं अगर एक्चुअल स्पॉट रेट 163 हो तो फिर भी आपने निकालना है स्पॉट रेट, जिस रेट पे आपने फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है या रसीट लेनी है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जी, PIL लिमिटेड रिक्वायर्स टू पे $938,000 इंपोर्ट ऑफ हाई टेक प्रिंटिंग मशीन ऑन 10th जनवरी 2022, ही इंटेंड्स टू हेज यूजिंग ऑप्शन। 938,000 की क्या है इंपोर्ट, मीन पेमेंट है या रसीट है, पेमेंट है कब, 10th जनवरी को, आज डेट क्या है पता नहीं, 10th जनवरी को आपकी पेमेंट है कितने की, $938,000 की। क्या कह रहा है, ऑप्शंस हमारे पास देखा जाए तो कॉल ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस ये है, पुट ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस ये है, आपको पेमेंट करनी है डॉलर बाय करने या सेल करने है, बाय करने है, कॉल ऑप्शन होगी पुट ऑप्शन होगी, कॉल ऑप्शन थी पुट ऑप्शन को काटा क्यों, एक ही काम करना है या कॉल करना है या पुट करना है, एक ही काम करना है इधर, या कॉल करना है या फिर पुट करना है। क्या कह रहा है, कॉल की है तो बाद में देखना है एक्सरसाइज करना है या नहीं करना, पुट की है तो बाद में देखना है एक्सरसाइज करना है या नहीं करना। क्या कह रहा है, जो प्राइस मिली है उस पर हमने एक्सरसाइज करना है, मीन बाय करना है या नहीं करना कॉल की सूरत में, पुट किया है तो हमने बाद में देखना है कि हमें सेल करना है या नहीं करना, किस पे, एक्सरसाइज स्ट्राइक प्राइस पे, और एक्सरसाइज स्ट्राइक प्राइस उसने दे दी हमें क्या, 158.5, व्हाट इज दिस, डॉलर या रुपीस, डॉलर या रुपीस, क्या होगा ये, रुपीस होगा, रुपीस होगा, क्यों, एक डॉलर के अगेंस्ट, क्या कह रहा है, इसमें डॉलर आपने जो है वो बाय करने हैं तो रेट ये होगा। और आगे हमें दिए गए हैं ऑप्शन, तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट, एक दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, एक जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है और एक फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो बीच में वैल्यू दी गई है 0.81 and 1.3, इसे बोलते हैं प्रीमियम ऑन ऑप्शन, मीन ऑप्शन मार्केट में आप बाद में एक्सरसाइज करोगे ही नहीं तो उस मार्केट में जो ब्रोकर आपके साथ डील कर रहा था उसका क्या फ़ायदा है, वो आपसे पर कॉन्ट्रैक्ट कुछ प्रीमियम रिक्वायर करता है, ताकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका कितना लॉस होगा, मैक्सिमम ये अमाउंट जाएगी। क्या कह रहा है, अगर एक्सरसाइज करते हो तो कोई गेन होगा, गेन की सूरत में ही करोगे तो गेन में से ये आप कॉस्ट निकालोगे तो आपके पास नेट गेन आ जाएगा। ये बात समझ आती है, मीन ऑप्शन मार्केट के अंदर क्या होता है, प्रीमियम, मीन ब्रोकर आपसे कुछ पैसा चार्ज करता है उसे क्या नाम देता है, प्रीमियम, और प्रीमियम क्या होता है, पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 100,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज है तो आपकी 938,000 जो है वो डॉलर पेमेंट है, 100,000 से अगर हम डिवाइड करें तो 9.38 आ जाएगा। क्या कह रहा है, इक्वल टू करें तो कितना, 9 कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब हमने क्या करना है, हैज सेटअप बनाना है, आ जाएँ हैज सेटअप बनाते हैं। तो हैज डेट है हमारे पास पता नहीं, लेकिन ट्रांजेक्शन डेट है हमारे पास कितनी, 10th जनवरी। तो 10th जनवरी को हमने क्या करना है, कुछ पेमेंट करनी है। है स्ट्रेटजी क्या है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन क्यों, पेमेंट करनी है ना, मीन पेमेंट है या फिर बाय है तो कॉल ऑप्शन है। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, दिसंबर वाला, जनवरी वाला, फरवरी वाला, जनवरी वाला, क्या कह रहा है, तो ये दोनों भी काट दो। तो चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बना, जनवरी। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने निकाल लिए 938,000 डिवाइडेड बाय 100,000 इज इक्वल टू 9 कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कहला, अब हमें क्या देखना है, चॉइस ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। तो एक्सरसाइज प्राइस हमने देख ली क्या बनी थी हमारी 158 कॉल ऑप्शन वाली,
क्या ख्याल है, पुट वाली को हमने इग्नोर करना है। तो चॉइस ऑफ एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास बन गई कितनी, 158 या 158 पूरी 5। अब हमने देखना है क्या गेन या लॉस ऑन ऑप्शन है कोई। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है, सो एक्सरसाइज प्राइस है हमारे पास 158.5। मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस कितनी है, 161। अभी हम सिर्फ 161 को यूज़ कर रहे हैं, 163 पे फिर दोबारा से सारी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो हमारे पास शायद कोई गेन आ गया कितना, 2.5 पर कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है हमारे पास गेन, ये गेन आप टोटल अमाउंट में भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9 कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके पास, एक कॉन्ट्रैक्ट कितने वाला है, एक कॉन्ट्रैक्ट कितने वाला है, 9 कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट 100,000 वाला है और पर कॉन्ट्रैक्ट आपको कितना गेन हो रहा है, 2.5। तो प्लीज़ मुझे ये अमाउंट बता दीजिएगा कितनी है, 52,50,000। तो गेन है हमारा ऑप्शन के अंदर, मेन कॉल ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं तो उसमें हमारा गेन है कितना, 2,250,000। अब हमें क्या करना है, हमने निकालनी है अब अपनी नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट कैसे निकालेंगे कि एक्चुअली हम जो है वो क्या करेंगे, बाय करेंगे डॉलर पे करने के लिए किस रेट पे, स्पॉट रेट पे 161 पे, क्या कहला है। सो एक्चुअल पेमेंट जो है हमारी जो है वो बनेगी बाय की, वो कितनी बनेगी, वो बनेगी जी हमारी कितने थे, 938,000 डॉलर। रेट उस वक्त क्या चल रहा है, 161 चल रहा है। तो मुझे ज़रा बताइएगा अमाउंट कितनी बनती है, 1,510,18,18,000। मीन ये आपकी अमाउंट बाइंग की आउटफ्लो है, इनफ्लो है, आउटफ्लो है, आउटफ्लो है। कोई गेन या लॉस है, गेन है ऑन ऑप्शन, गेन ऑन ऑप्शन यस था, लॉस तो इधर होगा नहीं, क्यों हम ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करते। कितना गेन है, 2,250,000, क्या कह रहा है। कोई प्रीमियम भी है, कितना प्रीमियम है सर, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम कितना था, 1 पर कॉन्ट्रैक्ट। कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके, 9 कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कितने वाला है, 100,000 वाला है और 1 पर कॉन्ट्रैक्ट है। तो ज़रा बताइएगा कितनी अमाउंट बनी, 900,000। ये भी क्या है, कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, क्या कह रहे हैं। तो नेट कॉस्ट मुझे बता देंगे कितनी बनी, 1,478,688,000। दोबारा चेक कर लें प्लीज़, 1,496,8,000। ये क्या बन गया आपकी नेट कॉस्ट। अफेक्टिव रेट निकाला जा सकता है, रेट निकाला जा सकता है, कितने डॉलर की ये कॉस्ट है, कितने डॉलर की ये कॉस्ट है, 938,000 डॉलर की। तो डिवाइड कर दो आपके पास रेट आ जाएगा कितना, 159.5356 अफेक्टिव रेट। मीन आपको ये ट्रांजैक्शन कितने रेट पे पड़ी, 159.56। इस वक्त स्पॉट रेट कितना चल रहा था, तो ऑप्शन में जाने से आपका फायदा हुआ, रेट कम पड़ा आपको, देखा रेट कम पड़ा। सो ऑप्शन की कैलकुलेशन कैसे करनी है सर, पहले हमें जो है वो देखना है हैज डेट क्या है, ट्रांजैक्शन डेट क्या है, मीन आपने पेमेंट करनी कब है,
पेमेंट करनी कब है, 3 माह बाद करनी है, 4 माह बाद करनी है, 6 माह बाद करनी है, क्या कह रहा है? क्यों? वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट कौन सा चूज़ करना है, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा चूज़ करना है। सम टाइम उसने बताया था कि आज डेट ये है, हमें 3 मंथ्स बाद इतनी पेमेंट करनी है, और वो डेट नहीं गिवन। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपको जो है वो अगले 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद के दिए गए, क्या कह रहा है? तो डेट फिर हमें देखना पड़ेगी। 3 माह बाद पेमेंट करनी है तो ट्रांजैक्शन डेट क्या होगी वो फिर हम देख लेंगे, क्या कह रहा है? तो इसलिए हमें ये डेट डिफाइन करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है? हेज स्ट्रैटजी, पेमेंट है तो कॉल ऑप्शन, क्यों हमें बाय करनी है फॉरेन करेंसी, रसीट है तो पुट ऑप्शन, क्यों हमें क्या करनी है फॉरेन करेंसी सेल करनी है लेके। उसके बाद चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चॉइस ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, मीन ये कॉल ऑप्शन आपने किस एक्सरसाइज प्राइस पे करनी है वो प्राइस आपको देखनी है, क्या कह रहा? क्यों गेन लॉस निकालने के लिए एक्सरसाइज प्राइस आपको यूज़ करना होगी? समटाइम क्वेश्चन के अंदर 3-4 एक्सरसाइज प्राइस दी होती हैं, तो आपको कौन सी यूज़ करनी है? और उसके बाद हमने क्या करना है जी? गेन ऑन ऑप्शन इफ़ एनी है तो निकालना है। कैसे? मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस को कंपेयर करना है, अगर गेन है तो वो पर कॉन्ट्रैक्ट निकाल के आगे फिर कैलकुलेशन कर लेनी है, अगर गेन नहीं है तो यहीं पे छोड़ देना है, आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे लॉस कभी भी नहीं होगा, क्यों? हम ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ पे बाय सेल दोनों काम करना ज़रूरी है ही नहीं, एक ही काम करना है आपने इस मार्केट में, एक ही काम करना है, लाइक फॉरवर्ड एक ही काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट किया तो बाय करना है, क्या कह रहा है? लेकिन इधर फ़ायदा है तो करना है, वरना नहीं करना, क्यों? ऑब्लिगेशन ही राइट है। और उसके बाद क्या करना है आपने? नेट कॉस्ट पे आ जाना है, नेट रिसीट पे आ जाना है। एक्चुअली जो आपने अगर डॉलर बाय किए हैं स्पॉट पे तो कितने के किए हैं, और अगर कोई प्रीमियम दिया है तो वो कितना दिया है, और साथ अगर कोई गेन हुआ है ऑप्शन से तो वो कितना है, तो आपके पास नेट कॉस्ट आ जाएगी। यही अगर फॉरेन करेंसी रिसीट होती तो हम क्या करते? पुट ऑप्शन, क्या कह रहा है? पुट ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइज, एक्सरसाइज प्राइस देखते, क्या कह रहा है जो आपको ब्रोकर ने दी है। और उसके बाद गेन ऑन ऑप्शन अगर कोई होता तो निकालते, स्ट्राइक प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। और पुट ऑप्शन में मार्केट प्राइस आपको लोअर चाहिए या स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा चाहिए गेन की सूरत में? पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस आपको मार्केट प्राइस से ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज़्यादा चाहिए। मार्केट प्राइस कम होगी तो आपका गेन होगा, ज़्यादा होगी तो लॉस होगा, क्यों? सेल करनी है ना, क्या कह रहा है? और उसके बाद अगर गेन होगा तो कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल रिसीट स्पॉट पे जो हुई, कोई प्रीमियम था तो वह माइनस करेंगे, क्या ख्याल है? मीन ये फिगर रिसीट की सूरत में पॉजिटिव आएगी, कोई प्रीमियम था तो हम माइनस करेंगे, साथ कोई गेन है तो वो ऐड करेंगे, उसके बाद हमारे पास नेट रिसीट आ जाएगी और फिर हम रेट भी निकाल सकते हैं, क्या ख्याल है? सो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है? फॉरवर्ड के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। फॉरवर्ड क्या है? बैंक्स ने एक रेट एग्री कर लिया और उसी रेट पे आप और बैंक बाउंड हो, क्वांटिटी भी रेट भी फिक्स हो गया। मनी मार्केट हैज के थ्रू किया जा सकता है, जब फॉरवर्ड नहीं है तो अपना हम फॉरवर्ड बना लेंगे। पेमेंट है तो आज एसेट क्रिएट करेंगे फॉरेन करेंसी में, अमाउंट जो पे करनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए कि 3 माह बाद इंटरेस्ट के बाद इतनी अमाउंट बन जाए जितनी हमने पे करना है, उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? ट्रांसफ़र हमने होम करेंसी से करना है डिपॉजिट करने के लिए। होम करेंसी से कैसे ट्रांसफ़र करना है? यहाँ से बारो करके उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा वो कॉस्ट निकालेंगे। फॉरेन करेंसी रिसीट है फ्यूचर में, तो मनी मार्केट हैज क्या करती है? आज आप फॉरेन करेंसी में बारो कर लो, मीन जितनी अमाउंट रिसीव करनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज निकाल लो, क्या कहला है कि 3 माह का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद कितनी अमाउंट बनेगी, तो बारो करके करना क्या है, उसको होम करेंसी में ले आओ। होम करेंसी में ला के यहाँ पे क्या कर दो? डिपॉजिट कर दो। डिपॉजिट करके उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड करो तो आपके पास क्या बन जाएगी? एक नेट रिसीट बन जाएगी, एक नेट रिसीट बन जाएगी। और ये फ़ायदा तब देगी जबकि होम करेंसी का रेट कम है और फॉरेन करेंसी का रेट ज़्यादा है, क्या कह रहा है? तो सर में ये फ़ायदा देगी।
मैनेज कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को फ्यूचर मार्केट के थ्रू, हवा में जाके इतने बाय इतने सेल, गेन या लॉस वहाँ से लिया, एक्चुअल के साथ उसे एडजस्ट किया तो आपके पास नेट कॉस्ट या नेट रिसीट बन गई, क्या ख्याल है? लेकिन इतना आसान काम नहीं है, हमें पहले डेट देखनी है, हमें हेज स्ट्रैटजी देखनी है, क्यों वही अगर रॉन्ग हमने लिख ली तो फिर तो सारा क्वेश्चन ही गया। पेमेंट है तो बाय नाउ सेल लेटर, रसीट है तो सेल नाउ बाय लेटर, दोनों काम होंगे, फ्यूचर में दोनों काम होंगे, क्या ख्याल है? ऑप्शन में एक ही काम होगा, या कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। गेन है तो आप एक्सरसाइज करोगे, वरना नहीं, मीन गेन होगा तो होगा वरना नहीं होगा। और एक्चुअल हम क्या करेंगे, स्पॉट वाली नेट कॉस्ट या रिसीट निकालेंगे, प्रीमियम उसमें एडजस्ट करेंगे कितना है, और उसमें क्या करेंगे हम, गेन अगर है तो वो एडजस्ट करेंगे, हमारे पास नेट कॉस्ट या रिसीट आ जाएगी, क्या कहला? अब फ्यूचर में अगर कोई मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, मीन आपसे सिक्योरिटी भी रखवाई गई है, फ्यूचर मार्केट में आप जाते हो तो आपसे कोई सिक्योरिटी रखवाई जाती है, तो सिक्योरिटी की कॉस्ट भी हम यहाँ पे फिर एडजस्ट करेंगे। कैसे? सिक्योरिटी आपसे रखवाएगी 1 मिलियन, तो 1 मिलियन आपने कहाँ से सिक्योरिटी दी है? बारो करके ना, तो सिर्फ उसका इंटरेस्ट जो है वो हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ मार्जिन। कहाँ पे? नेट कॉस्ट या नेट पेमेंट निकालते वक्त हम क्या करेंगे, उस मार्जिन का इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट करके तो फिर नेट कॉस्ट या नेट पेमेंट निकाला करेंगे, और कहीं पे नहीं। नेट कॉस्ट या नेट पेमेंट की जो कैलकुलेशन है फाइनल वाली, वहाँ पे हम उस मार्जिन मीन सिक्योरिटी का इंटरेस्ट ऐड किया करेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? होम करेंसी का बोरिंग रेट यूज़ करते हुए, होम करेंसी का बोरिंग रेट यूज़ करते हुए। कुछ करना आज हम काफ़ी सारा चाहते थे, लेकिन कुछ हमारा सेशन भी लेट स्टार्ट हुआ है आज का, और उतना काम नहीं हो सका जितना हम करना चाहते थे। एक क्वेश्चन काफ़ी बड़ा सारा मैं आप लोगों को करवाना चाह रहा था, पढ़ लेते हैं, थोड़ा बता देता हूँ कैसे करना है, तो ट्राई खुद से कीजिएगा। करना क्या आपको, इलस्ट्रेट योर मेथड बाय विच एसटीएल माइट हैज इट्स करेंसी एक्सपोजर, मीन आपने मेथड बताने हैं जिसके थ्रू एसटीएल करेंसी एक्सपोजर को हैज कर सकती है, एंड रिकमेंड विच मेथड शुड बी सिलेक्टेड, और कौन सा मेथड सिलेक्ट करना चाहिए। पेमेंट है तो इसकी कॉस्ट कम है वो सिलेक्ट करना चाहिए, रसीट है यहाँ पे नेट रसीट ज़्यादा है वो सिलेक्ट करना चाहिए, ये बात समझ आती। पेमेंट है तो यहाँ पे कॉस्ट कम है, नेट कॉस्ट एंड वाला स्टेप वो सिलेक्ट करना चाहिए, रसीट है तो यहाँ पे नेट रसीट ज़्यादा है वो सिलेक्ट करना चाहिए। और क्वेश्चन में अगर हम आए, क्वेश्चन में आए, एज्यूम दैट टुडे डेज इज 1st July 2022, टुडे इज डेट, मीन हैज डेट, स्टार ऑटो मोबाइल लिमिटेड हैज इम्पोर्टेड CNG किट्स फ्रॉम जापान एंड हैज़ टू पे एन अमाउंट ऑफ 175 million yen इन 3 मंथ्स टाइम। 3 मंथ्स टाइम में 175 yen आज जो है वो क्या करने हैं, पे करने हैं। STL intends to hedge the contract against adverse movement in foreign exchange rate and its foreign exchange exposure. The following data are available. Exchange rate quoted on 1st July 2022 hedge date pay spot rate ये है buy sell का yen का, 1 month forward rate ये है, 3 months forward rate ये है, कब आपने payment करनी है, 3 months में, this means यहाँ से forward की calculation होगी, यहाँ से forward की calculation होगी, कौन सा forward लोगे, 3 मंथ्स वाला तो 1 मंथ वाले को काट देना, क्या करें, तो फॉरवर्ड की कैलकुलेशन हो जाएगी, 175 million yen है और 1 yen इज इक्वल टू 30 rupees है, डायरेक्ट कोट है, मल्टीप्लाई का केस है, डिवाइड का केस है, मल्टीप्लाई का केस है, पे मोर किस रेट से मल्टीप्लाई करोगे, हायर रेट, हायर रेट कौन सा है, 1.94 या 1.9493, 1.9493 ये रेट से मल्टीप्लाई करोगे, फॉरवर्ड की कॉस्ट आ जाएगी, फॉरवर्ड की कॉस्ट आ जाएगी, एक कॉस्ट आ गई, आगे गए तो इंटरेस्ट रेट उसने दे दिए, जापान के भी पाकिस्तान के भी, पेमेंट है, इंटरेस्ट रेट क्यों दिए गए, मनी मार्केट हैज के लिए, मनी मार्केट हैज के लिए, पेमेंट है तो फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करोगे, आज इतनी अमाउंट डिपॉजिट करोगे कि 3 माह का इंटरेस्ट लग के वो उतनी बन जाए जितनी हमने पे करनी है, क्या ख्याल है? डिपॉजिट करोगे, डिपॉजिट का रेट फॉरेन करेंसी का कौन सा यूज़ करोगे, 3%,
लेकिन ये पूरे साल का इंटू 3/12 भी करोगे, क्या ख्याल अमाउंट निकल आएगी। उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करोगे, होम करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आप स्पॉट रेट यूज़ करोगे, फॉरवर्ड रेट यूज़ करोगे, कौन सा यूज़ करोगे? होम करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रेट यूज़ करोगे? स्पॉट रेट। स्पॉट रेट डिपॉजिट करने हैं तो आपने क्या करना है? येन बाय करने हैं, बाय करने तो पे मोर करना है। मल्टीप्लीकेशन का केस है तो पे मोर के लिए आप ये रेट यूज़ करोगे, क्या ख्याल है? ये रेट यूज़ करोगे। फिर वो बारो करने हैं तो उसका इंटरेस्ट भी निकालोगे, इंटरेस्ट निकालने के लिए आप होम करेंसी का बोरिंग रेट लोगे। होम करेंसी का बोरिंग रेट कौन सा है? 8%। तो कॉस्ट आ गई, दो कॉस्ट आ गई, फॉरवर्ड की भी, मनी मार्केट हेज की भी। बात समझ आती है? उसके बाद हम चले गए जी आगे, तो उसने कहा जी फ्यूचर का रेट भी हमारे पास कुछ दिए गए हैं। फ्यूचर हैव ए कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ 1 लाख एंड द मार्जिन रिक्वायर्ड इज ₹1000 पर कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन। व्हाट इज मार्जिन? सिक्योरिटी। वो नेट कॉस्ट एंड पे निकालनी है, वहाँ पे इसका इंटरेस्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसका इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्या ख्याल है? और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो आपको दी गई है, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है, आपको कौन सा लेना है? आपको कौन सा लेना है सर? आज डेट है 1 जुलाई, पेमेंट आपने करनी है 3 मंथ्स बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आप लोगे सर? सितंबर लोगे, बाकी दोनों को इग्नोर मार देना। ये रेट दिया गया है कब? आज। पेमेंट करनी है, रिसीट थी, पेमेंट थी। हेज स्ट्रैटेजी क्या होगी फ्यूचर में आपकी? बाय नाउ सेल लेटर, बाय नाउ सेल लेटर। तो आज आप बाय करोगे इस रेट पे, लेकिन सेल किस रेट पे करोगे? वो रेट ही नहीं गिवन, वो रेट ही गिवन नहीं है। दिस मीन हम इसी रेट पे सेल भी करेंगे तो गेन लॉस होगा ही नहीं फ्यूचर से, नहीं होगा ना, क्या कह रहा है? नहीं होगा ना, गेन लॉस फ्यूचर से नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम? देखेंगे कि हम उस डेट पे, फ्यूचर डेट पे किस रेट से एक्चुअली बाइंग करेंगे। उसके साथ गेन लॉस एडजस्ट करना होता था, वो है ही नहीं। और क्या एडजस्ट करेंगे? मार्जिन का इंटरेस्ट एडजस्ट करेंगे, तुम्हारे पास कॉस्ट फ्यूचर की आ जाएगी, हमारे पास कॉस्ट फ्यूचर की आ जाएगी। ये बात समझ आती है, क्या कह रहा है? ये बात समझ आती है क्यों? वो जो स्पॉट वाला गेन लॉस है उसका तो कोई फायदा ही नहीं था कैलकुलेशन में, कहीं भी कॉस्ट में आता ही नहीं वो, वहाँ सिर्फ एक लाइन आइटम हमने लेनी होती थी कि एक्चुअल बाइंग आपने की किस पे, तो ये एक्चुअल बाइंग हम लेंगे, गेन लॉस निकलता ही नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे? सिर्फ मार्जिन का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, हमारे पास कॉस्ट ऑन फ्यूचर आ जाएगी। 3 कॉस्ट आ गई, फॉरवर्ड की भी, मनी मार्केट हैज की भी, फ्यूचर की भी। नीचे गए, उसने ऑप्शन का डेट दे दिया। ऑप्शन हैव ए कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ 250,000 जापानीज येन, टोटल 175 मिलियन। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज निकालने के लिए द प्रीमियम पैसा पर रुपी पे एबल ऑन वेरियस ऑप्शन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्राइक प्राइस आर शोन बिलो। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 स्ट्राइक प्राइस आ गई है, 1.90, 1.91, 1.92। आपने पेमेंट करनी है या रसीट लेनी है? पेमेंट करनी है। कॉल ऑप्शन पे जाओगे, पुट ऑप्शन पे जाओगे? कॉल ऑप्शन पे जाओगे, क्या कह रहा है? दिस मीन ये डेटा इग्नोर कर दोगे। कब करनी है? सितंबर में। तो जुलाई वाला आप लोगे या सितंबर वाली चीज़ें लोगे? सितंबर वाली, क्या कह रहा है? तो ये भी इग्नोर कर दोगे। अब आपने यहाँ पे चूज़ करनी है एक्सरसाइज प्राइस, क्या चूज़ करनी है? एक्सरसाइज प्राइस। पेमेंट करनी है तो ये आपको दी गई है एक स्ट्राइक प्राइस, पेमेंट करनी है तो ये आपको दी गई है एक स्ट्राइक प्राइस, क्या ख्याल है? और आगे आपको क्या दिए गए हैं? प्रीमियम्स दिए गए हैं इन पैसा, प्रीमियम दिए गए हैं इन पैसा, प्रीमियम दिए गए इन पैसा, क्या कह रहा है? अब आपको यहाँ से चूज़ करना होगी कौन सी स्ट्राइक प्राइस।
पेमेंट करते वक्त आपकी कोशिश क्या होगी, छोटी प्राइस से पे करो या बड़ी प्राइस से पे करो? छोटी प्राइस से, तो जो छोटी प्राइस होगी वो आप यूज़ करोगे। छोटी प्राइस कौन सी होगी? 1.90 नहीं, उसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कैसे? ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। किसको, किसे ऐड माइनस करेंगे? स्ट्राइक प्राइस हमारे जो 3 दी गई हैं, हम क्या करेंगे इनके साथ, ये जो पैसास दिए गए हैं, ये जो पैसास दिए गए हैं इनको ऐड करेंगे, और वहाँ से हम देखेंगे जो छोटी अमाउंट निकलेगी वो हम अमाउंट जो है वो यूज़ करेंगे। इनको जब ऐड करेंगे तो ये पैसा है 3.55 पैसा है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0.0355। तो ये यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू बन जाएगी क्या? 1.9355। क्या ख्याल है, यहाँ से वैल्यू बन जाएगी क्या? 1.9332। और यहाँ से एक प्राइस बन जाएगी क्या? 1.9315। अब हमने क्या करना है? बाय करना है। कॉल ऑप्शन थी, तो हमारी कोशिश क्या होगी? लो प्राइस या हाई प्राइस? लो प्राइस। लो प्राइस अब इनमें से कौन सी लग रही है? ये वाली, ये वाली या ये वाली? लास्ट वाली। दिस मीन ये एक्सरसाइज प्राइस हम जो है वो चूज़ करेंगे। एक्सरसाइज प्राइस क्या होगी? ये प्राइस जिस पे हम कॉल ऑप्शन जो है वो एक्चुअली में क्या करेंगे? बाय करेंगे। ये बात समझ आती है? और यहाँ से हमारे पास जो है वो कॉस्ट आ जाएगी किसकी? ऑप्शन की। ऑप्शन के अंदर कोई प्रीमियम है हमारे पास? यस, प्रीमियम है। कितना प्रीमियम है? कितना? 0.0115। इसको हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो जितने बनेंगे 250,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्रीमियम की अमाउंट निकलेगी। क्या कह रहा है? और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू दिस इनटू 192 हमारे पास क्या बनेगी? एक्चुअल पेमेंट बनेगी। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट आएगी। बात समझ आती है? कॉस्ट कैसे निकाली आपने ऑप्शंस की? चारों कॉस्ट को कंपेयर करोगे तो उसके बाद आप बता दोगे कौन सी बेस्ट है। जी, ये क्वेश्चन क्लियर होता है? फॉरवर्ड और मनी मार्केट हेज तक क्लियर है? फ्यूचर में हमने क्या किया? हमारे पास एक ही रेट था, उसी पे हमने क्या किया? बाय किया। क्या कहला है? सेल का रेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो सपोज उसी पे ही सेल किया तो कोई गेन लॉस ऑन फ्यूचर नहीं हुआ। लेकिन कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्चुअल बाइंग लेंगे। एक्चुअल बाइंग क्या कहला है? कितने कॉन्ट्रैक्ट्स निकले उसको इंटू 1000 पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या कहला है? इंटू रेट यूज़ करेंगे एक्चुअल बाइंग का। एक्चुअल बाइंग का रेट कहाँ सा? स्पॉट का लेंगे, ये लेंगे। एक्चुअल बाइंग का रेट आप कौन सा लोगे? स्पॉट का लोगे। स्पॉट का लोगे एक्चुअल बाइंग का रेट। और कौन सा रेट लोगे? ये रेट। उसके अंदर हम गेन लॉस ऑन फ्यूचर एडजस्ट करते हैं, तो गेन लॉस ऑन फ्यूचर यहाँ पे है ही नहीं। और क्या है यहाँ पे? 1000 पर कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास मार्जिन है, तो मार्जिन का इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 1000 पर कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस पर इंटरेस्ट हम बोरिंग रेट हमारे पास शायद दिया गया होम करेंसी का, होम करेंसी का बोरिंग रेट कितना है? 8%। हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। ऑप्शन में गए तो वहाँ पे हमने बेसिकली प्राइस निकालनी है। एक्सरसाइज प्राइस कौन सी चूज़ करनी है, उसके लिए क्या करना है? ये जो हमारे पास स्ट्राइक प्राइस दी गई है, इसमें हमने जो है वो क्या करना है? ऐड करना है किस चीज़ को? प्रीमियम को। बाय की सूरत में, कॉल ऑप्शन की सूरत में ऐड करना है, पुट ऑप्शन की सूरत में माइनस करना है। क्यों ऐड करना है, माइनस करना है? कि अगर हम बाय करने जा रहे हैं तो हमने ये भी पेमेंट करनी है और ये प्रीमियम भी पेमेंट करनी है, तो दोनों पेमेंट हैं तो आपस में ऐड होंगी। अगर हम सेल करने जा रहे हैं तो स्ट्राइक प्राइस क्या है आपकी? रिसीव्ड इनफ्लो। प्रीमियम क्या है आपका? आउटफ्लो। तो सूरत में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और ये जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, इसकी बेस पर आप देखोगे
पे करते वक्त आपकी कोशिश होगी, बाय करते वक्त आपकी कोशिश होगी कम प्राइस पे बाय करो, तो इसमें से कम वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो उसके अगेंस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपकी चॉइस होगी। क्या कहला है? पुट ऑप्शन में सेल करना है तो आपकी कोशिश क्या होगी, हाई प्राइस, तो इनमें से हाई ये वैल्यू बनती है, तो उसमें सूरत में आप ये स्ट्राइक प्राइस यूज करोगे, अगर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस दी गई हो तो। ये बात क्लियर होती है? तो एक्चुअली आप जो है वो क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे इस प्राइस पे, और साथ आपको क्या करना है, कुछ प्रीमियम भी पे करना है, और प्रीमियम आपने जो प्राइस चूज़ की है उसी के अकॉर्डिंगली प्रीमियम आपने निकालना है, तो आपके पास नेट कॉस्ट आ जाएगी। सो कोशिश करें आज जाके फॉरेक्स का एरिया सारा कवर करें। मैंने यूट्यूब सॉरी फेसबुक लेक्चर के नीचे जो है वो एक अपना लिंक दिया है यूट्यूब चैनल का, इसका जो इंटरेस्ट रेट को कैसे मैनेज करना है एक लेक्चर वहाँ पे पड़ा है, वो कवर कर लेना वहाँ से। कमोडिटी का भी एक लेक्चर वहाँ पे पड़ा है, बल्कि बीच में उसके अंदर कुछ रिस्क की टाइप्स भी एक्सप्लेन की गई हैं, तो वहाँ से कवर कर लेना है, और उसके बाद ये एरिया हमारा जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। इसको नेक्स्ट लेक्चर तक कोशिश करें रिवाइज कर लें, कोई क्वेश्चन हो तो वो लेके आइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट अप्रेजल के साथ।